नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, एकदम तैयार हो आप आज मिसाइल्स करने के लिए? काफ़ी हद तक हम कर चुके थे, काफ़ी दिनों से हम कर रहे हैं मिसाइल, काफ़ी दिनों से तो नहीं मतलब पास्ट 2 क्लासेस से कर रहे हैं। तो गाइज, आज आपका मिसाइल से पीछा छूट जाएगा फाइनली, ठीक है? बट गाइज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड दिस, अगर मैं किसी टॉपिक को ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ तो मतलब वो इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर देखना है तो आप पिछले 5 साल के पेपर देख सकते हो, ठीक है? तो 5 साल में से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों आपके मिसाइल्स के ऊपर, अस्त्र मिसाइल और अग्नि मिसाइल के ऊपर, ठीक है? दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक इन डिटेल। सो गाइस, एज यू नो, वी हैव मोस्टली कंप्लीटेड द मिसाइल पार्ट। टुडे वी विल टेक सम रिमेनिंग मिसाइल्स, जो कुछ बची हुई मिसाइल्स थी, ठीक है? अग्नि, पृथ्वी वगैरह हमने कर लिया था कवर। दो पार्ट में था ये लेक्चर, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है? तो पार्ट 1 में हमने बेसिकली मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था आपको। पार्ट 2 के अंदर हमने आपको वो बताया जो मिसाइल्स इंडिया के पास में है, ठीक है? द मिसाइल्स इंडिया हैव, एंड दिस आल्सो वी हैव कवर्ड द अग्नि मिसाइल, ओके, द अग्नि 2 मिसाइल, ओके, द अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, ओके, पृथ्वी मिसाइल्स। तो हम इस तरह से कुछ कर चुके थे पिछली क्लासेस के अंदर। तो जो बच्चे आज नए जुड़े हैं मेरे साथ में, वो पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं। मगर अगर पुरानी क्लास उन्होंने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, अभी भी देख सकते हैं वो। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है? थोड़े बेसिक्स हैं ऑब्वियसली यार, वो पार्ट 1 में मैंने बता दिए थे हाउ द मिसाइल एक्चुअली वर्क्स एंड व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, द मशीन, द इलेक्ट्रॉनिक्स बिहाइंड वर्किंग ऑफ अ मिसाइल, द फ्यूल विच इज यूजेस, द इंजन, द प्रोपल्शन सिस्टम, ठीक है? तो अपन चलते हैं बच्चों, सीधा अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से। यार पार्ट 1 में जाने की जरूरत है नहीं दोबारा, ठीक है? तो दिस इज माय 1-क्लिक लिंक, जो बच्चों ने नहीं देखा है, आप PDF आज आपको पूरा कंप्लीट बच्चों मिल जाएगा। आज अपन बच्चों क्विज भी करने वाले हैं। सुबह हमने क्विज किया था, उसमें कुलबीर ने टॉप किया था, और इस क्लास के बाद में भी बच्चों हम क्विज करने वाले हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट प्लीज डाउनलोड कर लीजिए आप अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ओके, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि क्विज स्टार्ट होते ही हम क्विज कर सकें और टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा, आपका भी और मेरा भी, ठीक है गाइज? तो 1-क्लिक लिंक है यार, यहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हो मेरे, ठीक है? पुरानी क्लासेस आप यहाँ से देख सकते हो, अनअकैडमी मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है? सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई बात है तो वो भी आप मुझे यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है गाइज? चलते हैं आगे। टाइम टेबल में अपना बताया तो आपको फ्री क्लासेस का मेरा क्या चल रहा है। संडे को आई टेक वीकली करंट कैप्सूल क्लास, इन दिस वी कवर द बेसिकली द करंट अफेयर्स ऑफ द पास्ट 7 डेज, ओके। मंडे को हम करते हैं स्कीम्स रिपोर्ट इंडाइसेस की क्लास, मिशन IAS इनिशिएटिव के अंदर 2021 के अंदर। ट्यूसडे को गाइस वी टेक द गूगल अर्थ मैपिंग लेते हैं हम, ठीक है? स्टेट वाइज हम कर रहे हैं, तो कल हमने जैसे त्रिपुरा की मैपिंग खत्म कर दी थी। तो आई होप आपको मजा आया होगा कल करके, और आपका काफी हद तक बच्चों A to Z अगर टॉपिक यहाँ पे आपने कोई कर लिया तो समझ लो आपका पूरा हो गया, ठीक है? डिफेंस एंड सिक्योरिटी आपको पता ही है, आज जैसे वेनसडे है तो आज हम कर रहे हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी। IR बच्चों हम करते हैं थर्सडे और फ्राइडे को, ओके, ऑन द एच इनिशिएटिव स्पेशल पे गाइस। आई एम टेकिंग 1 ईयर करंट अफेयर्स, पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 1 महीने के अंदर, जो है आपका सितंबर का महीना। काफी बच्चों के मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, ठीक है, मेल्स आते रहे हैं, दे आर वेरी ग्रेटफुल दैट वी आर डूइंग दोज क्लासेस, एंड दोज क्लासेस आर हेल्पिंग देम वेरी वेरी मच, वेरी मच भी नहीं, वेरी वेरी मच। इसलिए बच्चों आप भी आओ यार, आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? करंट अफेयर्स आपको भी चैलेंजिंग लगता होगा, सबको लगता है, मुझे भी लगता था जब मैंने पढ़ाई चालू करी थी। तो बच्चों बेस्ट चीज को लर्न करने का तरीका क्या है, उसको MCQs के द्वारा आप सीखना, ठीक है? सो आई होप यू विल ऑल विल कम फॉर द करंट अफेयर्स क्लासेस ऑन द स्पेशल प्लेटफॉर्म। बच्चों आज नहीं है, आज होना था मगर कल है हमारा 9 PM पे, रात को 9 बजे, तो कल आप आ जाना आप लोग, ठीक है? वाइस प्लस के लिए मैं बताना चाहता हूँ यार, बोलोगे आपके सर सदाचार हमें क्यों मतलब हम प्लस करें जब ऑलरेडी एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द YouTube, why do we take plus? Why do you want us to spend some money, some hard earned money, जो आपके माँ बाप ने शायद बहुत मेहनत से कमाया होगा, मुझे पता है यार 1-1 रुपया कमाना और पैसा की क्या वैल्यू है। तो बच्चों देखो यार, प्लस का जो प्लेटफॉर्म है वो बना ही पूरा पढ़ने के हिसाब से। वहाँ पे आपको टीचर का फेस टाइम मिलता है, एजुकेटर का फेस टाइम मिलता है, ठीक है? आपको उससे इंटरेक्ट कर सकते हो, वो आपसे इंटरेक्ट कर सकता है, आप उसको उसके ग्रुप्स में जा सकते हो, ग्रुप्स में बच्चे के छट जाते हैं, तो हर एजुकेटर पर बच्चे पे ध्यान दे ज्यादा दे सकता है, ठीक है? जैसे जो मेरा ग्रुप है प्लस का, वहाँ पे हम लोग हैं कुछ लोग, मैं उनके साथ रहता हूँ, वो मुझसे बात करते हैं, मैं उससे बात करता हूँ, गाइड करते हैं, और मिलके हम काफी काफी अच्छी चीजें कर रहे हैं वहाँ पे। और प्रीलिम्स के बाद तो हम काफी ज्यादा हद से हद पे वहाँ पे आंसर राइटिंग भी करने वाले हैं, ठीक है? तो प्लस का बच्चों यार बहुत फायदा है। YouTube तो एक मल्टीपर्पज चीज है, ठीक है? यहाँ पे आपको वीडियोज भी मिलेंगे, बॉलीवुड हॉलीवुड कुछ भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? तो बच्चों ये जो प्लेटफॉर्म है यार, ये पढ़ने के लिए
बना है। यहाँ पे आपके टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, जो बिल्कुल इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, दिल्ली के टॉप एजुकेटर्स हैं, वो पढ़ाते हैं एक्सक्लूसिवली ऑन द प्लस। ठीक है, मेरे भी कोर्सेज हैं, मैं आने वाले टाइम में दो तीन महीने के अंदर मैं अपने ज्योग्राफी के, करंट अफेयर्स के, आईआर के अपडेट्स लाने वाला हूं। ठीक है, मगर वो बात नहीं है यार, आप प्लस करके एक सब्सक्रिप्शन से आप सारे फायदे उठा सकते हो, मेरे भी देख सकते हो और अनअकैडमी यूपीएससी टी का जो चैनल है हमारा, उस पर जो एजुकेटर्स पढ़ाते हैं उनके वीडियोज भी देख सकते हो। एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ बच्चों वन क्लिक लिंक है, वन स्टॉप सोल्यूशन है, वन स्टॉप सोल्यूशन है टू योर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल, राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चन, क्विजेज वगैरह सब अनलिमिटेड है बच्चों, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन की देरी है एंड यू आर देयर। ओके, सो गाइस व्हाट यू हैव टू डू टू टेक द सब्सक्रिप्शन, बच्चों पहले तो आज लर्निंग ऐप तो आप डाउनलोड कर ही लो, ठीक है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं क्विज, और गाइस क्विज होना है बहुत ही खतरनाक होने वाला है आज का। ये फीचर जो है क्विज का, ये सिर्फ प्लस के बच्चों के लिए अवेलेबल है, मगर अनअकैडमी ने कुछ टाइम के लिए ओपन कर दिया है इस प्लेटफॉर्म को, दैट्स व्हाई अनअकैडमी इज सेइंग अस टू प्रमोट द क्विजेस, टू ना आप लोगों को क्विज पे लाने के लिए बोल रही है। तो बच्चा थोड़े दिन का विंडो है ये, बाद में क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ओपन नहीं रहेगा, तो क्विज अपन आज करेंगे, तो उसके लिए आप अनअकैडमी ऐप तो बच्चों ज्वाइन कर ही लो, अभी डाउनलोड कर लो, ताकि अपने को बाद में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अभी आप वीडियो देखते देखते साइड में पीछे डाउनलोड होती रहेगी। ठीक है, तो बच्चों अनअकैडमी ऐप आपको डाउनलोड करना है, कैटेगरी आपको दिख जाएगा है सारे, ठीक है, प्लस पे जाना है आपको, यूपीएससी पे जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन जाना है। ठीक है, हियर यू कैन सी द रेट प्लान ऑल्सो गाइस, द रेट प्लान इज द वन ईयर के लिए आप जो चार्ज है मिनिमम हम रिकमेंड करते हैं कि एक साल का तो आप लो ही यार, वो जो थी वो कोर्स क्या बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, दे से दैट इट टेक्स लाइक वन एंड हाफ ईयर टू कंप्लीट द कोर्स, द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी विद योर ऑप्शनल, तो उसके लिए यार एक साल तो मतलब ज्यादा नहीं है, आपके लिए कम ही पड़ेगा, आप दो साल का लो बच्चों, अगर आप दो साल का आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, आप इतना एक साथ अभी नहीं दे सकते हो, तो आप एक साल का लो, आपको फायदा भी होगा इससे, एंड देन यू कैन थिंक अबाउट एक्सटेंडिंग योर यू नो सब्सक्रिप्शन। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ आप अपने यू नो एक्सटेंड करोगे ही आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन, तो एक साल का तो बच्चों लो ही, ठीक है, काफी आपको हेल्प मिलेगा, काफी कंटेंट आपका बेटर होगा, और बच्चों सिट 13 कोड अगर आप यूज करोगे तो 10% का आपको सीधा मिलेगा ऑफ, और आप जुड़ जाओगे मेरे से सीधा मेंटरिंग एंड गाइडेंस के लिए ऑन माई फोन नंबर, आई विल बी ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू, टू गाइड यू, टू एवरी, टू रिमूव ईच स्मॉल एंड बिग कंफ्यूजन, आपकी छोटी से बड़ी समस्या का यू नो समाधान मैं करूंगा, कंटेंट आपको यूपीएससी देगा बच्चों, तीसरा काम आपको बस करना है, थोड़ी मेहनत आपको जरूर करनी है, ठीक है, तो वो आपको करना है, बाकी सब हम लोग देख लेंगे। सो दैट्स इट गाइज, जस्ट अप्लाई द कोड, फायदा उठाइए 10% का, आइए वहां पे एनरोल कीजिए बच्चों, बैचेस चालू हो रहे हैं 31 सितंबर से, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट, आइए और यू नो फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को शॉर्ट करिए, दैट यू आर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके गाइस, दिस मोमेंट विल नॉट कम, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है आदमी का, जो सेकंड अटेम्प्ट होता है बेस्ट अटेम्प्ट होते हैं उसकी लाइफ के। ठीक है, इतने अटेम्प्ट बच्चों मैंने दे दिए, मेंस दिया है, प्रीलिम्स में कभी मैं फेल नहीं हुआ, मुझे आज भी पछतावा है कि मैं फर्स्ट और मेरे सेकंड अटेम्प्ट में मैं इतना सीरियस नहीं था जितना होना चाहिए था। ठीक है, बिकॉज द एनर्जी लेवल, यू नो द कॉन्फिडेंस, द ज़ील, वो जो जज्बा होता है वो बच्चों बहुत ही शानदार होता है पहले और दूसरे अटेम्प्ट में। ठीक है, बिना किसी प्रेशर के क्या है, आदमी एग्जाम देता है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, और यही चीजें मैटर करती है यार, पढ़ते तो सब हैं, यूपीएससी का बच्चों जो मेंस लिखता है, जो बच्चा 10,000 बच्चे मेंस लिखते हैं, सिर्फ उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ता यार, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो पहले ही प्रीलिम्स में आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्क बच्चों ये पड़ता है यार, आप मेंस कितना अच्छे से, राइटिंग प्रैक्टिस कितनी आपने करी हुई है, कॉन्फिडेंस कितना है आप में, सिलेबस आपने कितना अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है, बार बार रिवीजन कितना आपका हुआ हुआ है। सो गाइस यू कैन थिंक अबाउट इट, आइकॉनिक भी आप जा सकते हो बच्चों, यहाँ पे आपको पर्सनल कोच मिलेगा एक्स्ट्रा, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी डेली, सुबह आप आंसर दोगे लिख के, शाम को आपको चेक होके, रिव्यू होके, एक एक छोटे छोटे बातें आपको बता दी जाएगी, क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, फीडबैक बच्चों आपको मिलता रहेगा, ये बात है प्लस में, दोनों जगह बच्चों मेरा कोड चलेगा सिड 13 क्या है, थोड़ा कई बच्चों के लिए अनलकी होता है, तो बच्चों जिनके लिए अनलकी जो मानते हैं वो सिड SP यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिनके लिए लकी है बच्चों, मेरे लिए तो बहुत लकी है। ठीक है, आपके लिए अगर लकी नहीं है तो आप सिड SP यूज कर लो, नहीं तो सिड 13 भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता यार, सब अंधविश्वास होता है ये, ठीक है, ऐसा कुछ यूज नहीं होता। तो बच्चों सिड 13 आपको जोड़ेगा मेरे से डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और डायरेक्टली आप मुझसे जुड़ जाओगे। 31 तारीख को जैसे मैंने बताया आपको, न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग, सेपरेट बैच फॉर हिंदी मीडियम,
हाँ आपको ये रोने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, सर इंग्लिश में पढ़ाओ, सर हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में मटेरियल दो बच्चों, सब आप कर सकते हो। क्लास खत्म होते ही ऑप्शन होता है साइड में, वहां से आप सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आपको टीचर के, एजुकेटर को परेशान करने की जरूरत नहीं, खुद भी नहीं परेशान होना कि यार पीडीएफ दो नहीं दे, एजुकेटर दे तो दे, नहीं दे तो दी दे, बच्चों वहां नहीं होता ऐसा। वहां हर क्लास के साथ ही नीचे ऑप्शन आता है, एजुकेटर को पहले ही पीडीएफ क्या है अपलोड करनी पड़ती है, फिर वो पढ़ाता है, और क्लास ओवर होने के बाद हर बच्चा पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो कोड है सेट 13, मंजिल है आपकी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जो आपको अपनी मंजिल से पास लेके जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं अपन क्लास की तरफ। द मिसाइल्स क्लास हम कर रहे थे बच्चों, बिल्कुल बुला लीजिए, बाकी लोगों को शेयर कर दीजिए बच्चों, क्लास को लाइक कर दीजिए, आपके सपोर्ट, आपके प्यार और आपके बैकिंग के बिना हम कुछ भी नहीं है, कोई एजुकेटर कुछ भी नहीं है, एजुकेटर को बड़ा बनाता है, बच्चे बड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो गाइस प्लीज शेयर कर दीजिए क्लास को, लाइक कर दीजिए अभी के अभी, बाद में आप भूल जाओगे, ताकि हम क्लास बस स्टार्ट कर दें। लास्ट कॉल आउट है गाइस, एंड बी रेडी टू सॉल्व द क्विज ऑल्सो आफ्टर द क्लास। ओके बच्चों, तो क्विज भी अपन आज करने वाले हैं। तो गाइस आई वोंट गेट इनटू द व्हाट एवर आई टोल्ड ऑलरेडी, मैंने आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा बता दिया था, मिसाइल्स कैसे काम करते हैं बच्चों, कैसे नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों वो चीजों पे जाने की जरूरत है नहीं दोबारा अपने को। सो यू कैन सी मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मिसाइल, गाइडेंस सिस्टम वगैरह। आज आपको बच्चों पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका, तो टेंशन मत लो। काफी बच्चे मुझे बोल रहे थे सर पीडीएफ नहीं मिला मिसाइल्स का, तो मैंने उनको यही बोला था एक बार लेट मी कवर द टॉपिक एंड देन आई विल सेंड द पीडीएफ ऑन देयर ऑन द टेलीग्राम चैनल। सो गाइस दिस इज ऑल आई टोल्ड यू, स्पीड प्रोपल्शन सिस्टम, ओके, ऑल टाइप्स ऑफ इंजन, लिक्विड प्रोपल्शन, रैमजेट, स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट मैंने आपको भी परसों भी समझाया था संडे को, जब करंट अफेयर्स की क्लास में जब अभी आया था ये इशू। ठीक है, तो बच्चों अब मिसाइल्स पे चलना है अपने को सीधा। ठीक है, मिसाइल्स का भी हम आधा पार्ट कर चुके थे, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट गाइज टूडे वी आर गोइंग टू डू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल्स, लाइक योर शौर्य मिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है बच्चों, अस्त्र मिसाइल जो यूपीएससी में आ चुका है वो मिसाइल हम करेंगे आज, अस्त्र मिसाइल करेंगे, शौर्य करेंगे, ब्राक मिसाइल करेंगे। ब्राक मिसाइल काफी फेमस रहता है आपका, ये क्या नाम है इसका, ब्रह्मोस मिसाइल करेंगे, समझ रहे हो। तो बच्चों यार बहुत फेमस मिसाइल है, बहुत न्यूज में रहने वाली चीजें हैं, और मतलब बहुत 2 साल हो शायद, पिछले साल नहीं आया था क्वेश्चन, आई एम एक्सपेक्टिंग के क्वेश्चन आ जाए इस साल या अगले साल, तो पक्का आएगा ही। ठीक है, ए सैट बच्चों, ए सैट एंटी सैटेलाइट मिशन, मिशन शक्ति, आप भूल गए शायद, जब मोदी जी ने एक बार देश को पूरा हिला दिया था कि मैं आज कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड। तो बच्चों अनाउंसमेंट क्या था, वो मिशन शक्ति के बारे में था। वो मिशन शक्ति क्या था, अपन बात करेंगे उसके बारे में अभी क्लास के अंदर। ठीक है गाइस, लेट्स मूव टू द क्लास। ओके, जो बच्चे मांग रहे हैं गाइस टेलीग्राम, उनको बता दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम बता दीजिए। तो बच्चों मैंने आपको यार इसके बारे में बताया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था कि यार ये प्रोग्राम हमारा ना बेसिक था, इससे हमने स्टार्ट किया था। कि कब स्टार्ट हुआ था बच्चों, 1982 के अंदर अब्दुल कलाम ने इसको स्टार्ट किया था। इसके अंदर बेसिकली हमने बनाया कि यार 5 मिसाइल्स हम बनाएंगे, आकाश, अग्नि, नाग, त्रिशूल और पृथ्वी। तो बच्चों ने आपको मिसाइल्स के बारे में बताया था, फ्लैगशिप गाइज, इफ इट द क्वेश्चन कम्स इन योर मेंस, किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में SNT पे कोई क्वेश्चन आए, अगर डिफेंस पे कोई क्वेश्चन आए, तो आपको यार ये प्रोग्राम के बारे में जरूर लिखना है। ठीक है, ये है फ्लैगशिप प्रोग्राम एक तरह से, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दिस इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम। ओके, यू कैन कोट, अगर मिसाइल पे कोई क्वेश्चन आएगा मेंस के अंदर तो आपको लिखना ही है। ठीक है, अगर SNT पे कोई क्वेश्चन आ रहा है, डिफेंस पे कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो भी आपको ये लिखना है, उसको मेंशन करना है, 2 लाइन में लिख दो, खत्म कर दो, एक नंबर पक्के हैं वहां पे आपको। ठीक है, तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अबाउट इट। मैंने आपको बताया था कौन कौन सी मिसाइल्स हमने इसमें बनाई है, पृथ्वी बनाई है, त्रिशूल बनाई है, आकाश बनाई है, नाग मिसाइल बनाई है हमने। ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। गाइस अग्नि मिसाइल के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका था, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 4 और 4 कंप्लीट हो चुकी है, 5 और 6 पे अभी काम चल रहा है बेसिकली। ठीक है, इनको इनकी रेंज क्या है बच्चों, बढ़ती जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या रेंज बढ़ती जाती है, इनकी मारक क्षमता जो है वो बढ़ती जाती है, जैसे आप बड़ी मिसाइल की तरफ नंबर जैसे बढ़ता जाता है। ठीक है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल है, सबसे बड़ा मिसाइल है इंडिया के आर्सेनल के अंदर, जो हमारा जो जखीरा है मिसाइल्स का, उसमें से सबसे बड़ी मिसाइल है, सबसे दूर क्षमता रखने वाली। ठीक है, ICBM भी कहते हैं इसको, जो अग्नि बच्चों 5 है। ठीक है, जो 6 है उसकी रेंज क्या है, 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, और 5000 किलोमीटर से ज्यादा
जो मारक क्षमता होती है जिस मिसाइल की, उसको हम कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंट को भी जो पार करके मार दे, दूसरे देश में जाके अटैक कर दे। तो गाइस अग्नि मिसाइल्स में पढ़ा चुका हूँ काफी बच्चे बच्चों, अगर आज नए हो तो प्लीज आप पुरानी क्लासेस देख लेना, वहां मैंने डिटेल में समझाया। अभी मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट मिसाइल्स है वो डिटेल में लेनी है, ये हम ऑलरेडी डिटेल में ले चुके थे लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो अग्नि 6 इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, यू नो 12,000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता होगी, सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है ये, ठीक है। गाइस वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है यूपीएससी के हिसाब से बच्चों ये टॉपिक है ना एकदम परफेक्ट है, इस पे क्वेश्चन बनने के काफी चांस है। MIRVs लास्ट क्लास पे मैं 20 मिनट बात किया था, उस पे 20 मिनट तक मैंने बात की थी क्या होते हैं बच्चों, क्या इनका फायदा होता है, और ये बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी और इम्पोर्टेंट गाइस इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमारे अग्नि 6 जो अग्नि 6 मिसाइल है उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी है तो हमें पता होना चाहिए यार, और है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही एक सेलेक्टेड क्लब ऑफ कंट्रीज के पास में है। ओके So that's why this technology I already explained, MIRVs, multiple independently targetable re-entry vehicles. Okay guys, let's move to the next. पृथ्वी में मैंने समझा दिया था, पृथ्वी छोटा भाई है, मैंने आपको बोला था पृथ्वी से दोनों यू नो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, पृथ्वी छोटा भाई है, ठीक है, पृथ्वी छोटा भाई है किसका, अग्नि का, ठीक है। बाकी बेसिक चीजें सेम ही इनमें, बस रेंज वगैरह, अगर जहां आपको कम दूरी पे मार करना है तो पृथ्वी का अपन इस्तेमाल करेंगे, जहां लंबी दूरी पे हमें मार करना है वहां पे हम अग्नि मिसाइल का यूज करेंगे। पृथ्वी एयर डिफेंस एंड यू नो एडवांस एयर डिफेंस और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इक्वल टू MIRV के बराबर ही मैं इसको इंपॉर्टेंस दूंगा, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम है जो, ठीक है गाइस चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्लास बच्चों खत्म हुई थी लास्ट टाइम पे, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे दोबारा, ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्लास को अच्छे से। अब बच्चे हो जो आ गए हो, ठीक है यार, समझ में आएगा आपको, अभी भी 90% समझ में आएगा, कुछ चीज आपको समझ में ना आए तो आप वो पुराना देख लेना बच्चों, देख लेना यार, है ना, मुझे हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाद में आप देखो या अभी देखो, बट आपके लिए बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि ये चीज रटने की नहीं है। अगर आप रटोगे तो 10-20 तरह की ये मिसाइल है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, खिचड़ी बन जाएगी आपके दिमाग में, आप समझोगे कि हाँ यार सैम क्या होती है, सरफेस टू एयर होती है, तो यू नो उसमें कुछ बेसिक क्वालिटीज होती है, ठीक है। तो आपको बस वो सब चीजें बच्चों क्या पार्ट वन में आपको अच्छे से समझ में आएगी क्योंकि हमने वहां पे टर्मिनोलॉजीज टेक्नोलॉजीज की बात करी है। तो गाइस नाग मिसाइल मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट मिसाइल है, ठीक है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है ये, क्योंकि बच्चों फायर एंड फॉरगेट इसलिए क्योंकि एक बार आपने छोड़ दिया तो गारंटी है आपकी कि ये निशाने पे जाके लगेगी, क्योंकि बच्चों ये बनी है मिसाइल टैंक को मारने के लिए, और टैंक एक बहुत बड़ा, एक टैंक के अंदर इंजन होता है गाइस, ठीक है, एक बहुत बड़ा इंजन होता है उसके अंदर, तो हीट को क्या है वो रेडिएट करता है, ठीक है, हीट निकलती है उसके बाहर से, जैसे बॉडी है अपनी उसमें से भी हीट निकलती है बाहर से, ठीक है, कोई भी गर्म चीज है, ठीक है, उसमें से भी हीट निकलती है। तो गाइस ये हीट सीकिंग मिसाइल होती है बेसिकली, ठीक है, इंफ्रारेड सीकिंग, इंफ्रारेड उसमें से निकलती है जो चीज गर्म होती है, हॉट होती है, ठीक है। तो बच्चों अगर इसको छोड़ दिया अपन ने तो ये उस गर्म चीज को ट्रैक करेगी, और टैंक इधर उधर घूम भी रहा है तो भी उसके पीछे अटैक करके मतलब पीछे पड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका टारगेट जो सीकिंग है वो है उसकी जो गर्मी निकलती है उससे, ठीक है। तो गाइस क्या काम आती है नाग मिसाइल, एंटी टैंक, टैंक को अगर उड़ाना हो बच्चों, देखो टैंक को उड़ाना क्या है आसान नहीं होता यार, टैंक को खत्म करना न्यूट्रलाइज करना आसान नहीं होता है क्योंकि टैंक के अंदर होता है जो कवच होता है ना टैंक का, बहुत ही मोटे स्टील का या अलॉय का क्या बना होता है, काफी डिफिकल्ट होता है उसको पेनिट्रेट करना, इसलिए काफी पावरफुल मिसाइल चाहिए, कोई पावरफुल वेपन चाहिए जो एक टैंक को न्यूट्रलाइज कर दे। ओके गाइस हियर द थिंग इज दैट हियर द नाग मिसाइल विल हेल्प यू, एंड नाग मिसाइल बच्चों को छोड़ा जा सकता है आपको और ये टैंक को नेस्तनाबूद कर देगा। गाइस द वर्जन, इसका एक और वर्जन बन चुका है जिसको अपन हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने में यार थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा ना, सीधा आप लॉन्च नहीं कर सकते हो, उसके हुक्स वगैरह वो सब यू नो थोड़ा बहुत चेंज करके क्या है इसका हेलिना वर्जन है बच्चों, उसे हम कहते हैं हेलिना वर्जन हमने बना दिया है इसका, जो हम लॉन्च कर सकते हैं हेलीकॉप्टर का। नाग मिसाइल ही है वो, मगर हम उसे लॉन्च करते हैं हेलीकॉप्टर से। ओके सो सिंपल मिसाइल है बच्चों, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, DRDO की है, इंडिया में बनाई हुई मिसाइल है, तो और इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट मिसाइल पे, द सूर्या मिसाइल। बच्चों ये क्लासिफाइड है अभी, इसका मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, वैसे मुझे आपको लास्ट क्लास में बता देना चाहिए था, मगर मेरे को बाद में ध्यान आया तो ऑब्वियसली मैंने सोचा मैं आपको अपडेट कर दूं।
इसके बारे में यार, मिसाइल के बारे में ज्यादा हमारे पास क्या नॉलेज ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, डीआरडीओ एक्नॉलेज करता है कि सूर्या मिसाइल वो बना रहा है, ठीक है। कुछ बच्चों, कुछ लोग कहते हैं कि यार अग्नि जो सिक्स है ना, जो अग्नि सिक्स मिसाइल है, जो हमारी सबसे पावरफुल मिसाइल होगी अभी, जिसकी रेंज होगी 8,000 से 12,000 किलोमीटर, तो बच्चों कहते हैं वही सूर्या मिसाइल है, ठीक है। तो अगर बच्चों सूर्य मिसाइल अगर की हम बात करी जाए, तो एक तरह से अग्नि की भी ऊपर है ये। मैं आपको बता रहा था ना अब तक कि अग्नि सबसे पावरफुल है, सबसे बड़ी है। तो बच्चों एक्चुअल में अगर सूर्य मिसाइल का गवर्नमेंट अगर रिलीज कर दे इन्फॉर्मेशन प्रॉपर, तो ये अग्नि मिसाइल से भी बड़ी मिसाइल है और अग्नि मिसाइल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो रेंज है बच्चों, जो उसकी रेंज है वो काफी ज्यादा है यार। 12,000 किलोमीटर काफी ज्यादा रेंज होती है किसी भी मिसाइल के लिए। बहुत चुनिंदा देश है ऐसे जिनके पास इतनी दूरी तक मिसाइल को दागने की ताकत है। तो गाइस सूर्य मिसाइल इज लिटिल क्लासिफाइड, फिर भी आपको डीआरडीओ का यहाँ पे दिख रहा होगा ये। तो बच्चों डीआरडीओ बना रहा है यार सूर्य मिसाइल, ठीक है, सबसे खतरनाक मिसाइल होगी अगर ये बन गई तो। आपको याद रखना है बच्चों उसका नाम सूर्य मिसाइल, ठीक है, अग्नि का भी बाप समझ लो आप इसको, ठीक है। मैंने बताया अग्नि सबसे बड़ी, अग्नि का छोटा भाई कौन, पृथ्वी, और अग्नि का भी ऊपर कौन, सूर्य। यार भाई पता है सूर्य तो मतलब सूर्य होता है, अग्नि पृथ्वी, अग्नि तो आग है, पर आग का आग की जननी, आग का असली एग्जाम्पल क्या है, सूरज, ठीक है। तो सूरज से बड़ी अग्नि नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि सबसे बड़ी जो अग्नि है वो सूरज के अंदर ही है। तो दैट्स व्हाई गाइस यू कैन रिमेंबर बाय दिस थिंग, सूर्य मिसाइल आईसीबीएम है बच्चों, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑब्वियसली यार होगी भी 5,000 किलोमीटर से, जो भी ज्यादा दूर मार सकती है मिसाइल उसे हम आईसीबीएम कहते हैं, और ये तो मार सकती है 12,000 किलोमीटर, तो 12,000 किलोमीटर में तो ऑब्वियसली इट्स एन आईसीबीएम। लेट्स मूव टू द अदर मिसाइल विच आर मोर इम्पोर्टेंट गाइस, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल आफ्टर द अग्नि पृथ्वी, ठीक है। नाक तो अगर चुट्टू बुट्टू मिसाइल है, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है भाई। शौर्य मिसाइल देख सकते हो आप, फोटो लाया हूँ आपके लिए, रिपब्लिक डे से परेड की फोटो है गाइस, ठीक है। शौर्य आप देख सकते हो, लिखा हुआ है शौर्य मिसाइल, ठीक है, शौर्य मिसाइल। गाइस शौर्य मिसाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है, बहुत ही बड़ा मिसाइल है ये। इसमें खास बात बच्चों क्या है, कैनिस्टर बेस्ड है ये, ठीक है। ये कैनिस्टर दिख रहा है आपको, ये सिलेंडर टाइप दिख रहा है, ये कैनिस्टर क्या है बच्चों, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कि कहीं पे भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट करता है वेदर से, इसको लंबे टाइम के लिए हम कहीं पे स्टोर करके रख सकते हैं। मिसाइल को एक तरह से शील्ड है मिसाइल का, ठीक है। तो कैनिस्टर लॉन्च्ड सिस्टम है बच्चों, जब लॉन्च भी ये मिसाइल होगा तो एक कैनिस्टर के अंदर से ही लॉन्च होगा, ठीक है। ये जो कैनिस्टर है और यहाँ पे आपका मिसाइल है इसके अंदर ये रखा हुआ, ठीक है गाइस। तो इस मिसाइल, ये कैनिस्टर के अंदर से लॉन्च होगा मिसाइल, ठीक है। तो हमेशा आखिर तक, लॉन्च होने से पहले तक ये कैनिस्टर के अंदर ही रहेगा। हाइपरसोनिक है बच्चों, ये आवाज की रफ्तार से भी तेज नहीं बल्कि बहुत तेज चलती है, बहुत तेज चलती है। हाइपरसोनिक मतलब आवाज की रफ्तार से भी काफी दूरी तक बच्चों, सरफेस टू सरफेस है ये, ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सरफेस से जाएगी, इस ट्रक से लॉन्च होगी और दूसरे दुश्मन के इलाके में बॉर्डर पार जाके या कहीं दूसरे इलाके में जाके, जिसका रेंज इसका है बच्चों 700 से लेके 2000 किलोमीटर भी आप कह सकते हो, ठीक है गाइस। इंपॉर्टेंट मिसाइल है यार, 200 किलो से लेके 1 टन तक का वॉरहेड। वॉरहेड क्या होता है बच्चों, जो ऊपर आपने उसमें बॉम्ब लगाया हुआ है मिसाइल के अंदर, जो बॉम्ब है आपका वो कन्वेंशनल भी हो सकता है, वो न्यूक्लियर भी हो सकता है, ठीक है। तो एक 200 से 1 टन तक बच्चों ये अपना क्या है वॉरहेड अपने साथ में ले जा सकती है और तबाही मचा सकती है गाइस, बिकॉज जो कैपेसिटी है वॉरहेड की, 1 टन का वॉरहेड मतलब समझ रहे हो बच्चों आप, 1 टन अगर आरडीएक्स भी है उसके अंदर, एल्यूमिनियम एक्सप्लोजिव भी है, ठीक है, तो काफी भयानक एक्सप्लोजन हो सकता है इसकी वजह से। तो इंपॉर्टेंट है गाइस, बड़ी मिसाइल है, कैनिस्टर बेस्ड है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, कैनिस्टर बेस्ड है, लॉन्ग है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, हाइपरसोनिक है, आवाज की रफ्तार से तेज चलती है। तो दिस इज अबाउट द शौर्य मिसाइल गाइस। थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो फटाफट मेरे से पूछ लेना, कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ सकते हो आप, ठीक है गाइस। चलते हैं अपन गाइस अपने आकाश मिसाइल की तरफ। गाइस आकाश मिसाइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल, ठीक है। आकाश मिसाइल आपकी जो है वो है आपके सरफेस टू एयर मिसाइल, इंडिया ने बनाया है गाइज, इसको इंडिया ने बनाया है। सरफेस टू एयर मिसाइल बच्चों ये होता है कि यार सरफेस से मारेगी ये हवा के अंदर, ठीक है। अब हवा के अंदर किसको मारेगी, चिड़िया को तो मारेगी नहीं गाइज, ऑब्वियसली फाइटर जेट कोई आ रहा हो, एयरक्राफ्ट आ रहा हो, पाकिस्तान का कोई F-16 आ रहा हो, चाइना का कोई JF-20 या JF-17 आ रहा हो, ठीक है, उसको मारेगी। क्रूज मिसाइल कोई आ रही हो उसको मार सकती है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल कोई आ रही हो दूसरे देश से, पाकिस्तान मान लो हम पे कोई छोड़ दे मिसाइल, उसने मिसाइल बना रखी, बाबर रख रखा है उनका नाम,
गौरी गजनी रख रखा है उसने मिसाइल्स का नाम अपनी, वो मिसाइल अपने पे छोड़ दे तो कैसे अपने प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को? अपन उस मिसाइल को हवा के अंदर ही न्यूट्रलाइज करने के लिए आकाश मिसाइल छोड़ेंगे। आकाश मिसाइल्स गाइस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यार इंडिया ने बनाया है इसको, ठीक है, हमने किसी से लिया नहीं है, हमने किसी से लिया नहीं, हमने खुद बनाया। किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया। और इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल दे सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो गाइस रेंज इसकी छोटी है यार काफी, 30 किलोमीटर लगभग यू नो का अटैक कर सकती है, 30 किलोमीटर की रेंज में अटैक कर सकती है। आपको पता है जो ऐसा सबसे पावरफुल सरफेस टू एयर मिसाइल हमारे पास है वो कौन सी होने वाली है? वो S-400 है, ठीक है। वो 400 किलोमीटर के रेंज में मार सकती है, ठीक है। 400 किलोमीटर की रेंज में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, समझ रहे हो आप? 400 किलोमीटर की रेंज में कोई भी हेलीकॉप्टर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। और ये कब करेगी? 30 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि गाइस आपको पता है यार इंडिया के पास अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम लोग इतने एडवांस नहीं है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो इस तरह से क्या है हम ज्यादा हाई रेंज मिसाइल नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए हम $5 बिलियन अप्रोक्स, ठीक है, $5 बिलियन अप्रोक्स में बच्चों हमने खर्चा किया है S-400 मिसाइल लेने का, ठीक है। S-400 इज अनदर द बेस्ट एक टाइप ऑफ अ सरफेस टू एयर मिसाइल विच वी विल हैव टुडे और टुमारो, ठीक है। इंडियन आर्मी यूजेस दिस मिसाइल गाइस, ठीक है, इंडियन आर्मी है वो इस मिसाइल को यूज करती है, इंडियन एयरफोर्स भी इसको यूज कर सकती है, ऑल वेदर और हर तरह के वेदर में बच्चों ये लड़ने का काम कर सकती है। स्पीड इसकी लगभग Mach 3.5 है, Mach 3.5 मतलब बच्चों आवाज की 3 गुना रफ्तार, 3.5 गुना रफ्तार। एक मैक का मतलब मैंने आपको बताया 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ठीक है। 1 मैक इज इक्वल्स टू 1235 किलोमीटर, तो बच्चों 3.5 मैक कितना हो गया? 1235 × 3.5, ठीक है, इतनी स्पीड तक ये उड़ान भर सकती है। चलते हैं अपन नेक्स्ट मिसाइल की तरफ। गाइस कोई प्रॉब्लम हो तो आप, ठीक है सर, मिसाइल से क्या होता है? अच्छा, व्हाट इज आकाश, मिसाइल से क्या होता है सर? ये ऑटोमेटिक होती है या मैनुअली? देखो ऑटोमेटिक लॉन्च करना होता है फिर ऑटोमेटिकली टारगेट को हिट कर देती है। मिसाइल क्या होती है यार? मिसाइल बच्चा भी बता देगा मिसाइल क्या होती है, ठीक है। तो यार ऐसे क्वेश्चन ना पूछो, ठीक है, मुझे भी ताकि थोड़ी हंसी आ जाए, ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो बच्चों। Guys, now there is a, this missile has been developed recently, so this is more important, ठीक है। Quick reaction surface to air missile, बच्चों current affairs का event है, जैसे अभी you know आपका ये hypersonic जो हमने scramjet engine से जो भी missile बनी, बच्चों ऐसे recently पिछले साल ही 2019 के अंदर ही हमने ये missile बनाई है QRSM, ठीक है। ये किसने बनाया? DRDO ने बनाया बच्चों, DRDO, ठीक है। गाइस बात क्या होती है यार, देखो जब कोई अटैक होता है ना हम पे, जैसे सरफेस एयर से कोई अटैक आ रहा है हमारे पे, कोई मान लो हवाई जहाज आ रहा है, ठीक है, हमें उसको डिस्ट्रॉय करना है, कोई मिसाइल आ रही है हमारी तरफ हमें उसे डिस्ट्रॉय करना है, कोई ड्रोन आ रहा है हमारी तरफ हमारी टेरिटरी में यू नो हमारी किसी भी चीज को उड़ाने के लिए, बॉम्ब डालने के लिए, ठीक है। तो एयर से बच्चों जब भी क्या है कोई थ्रेट आता है, कोई दुश्मन आता है एयर के, एयर आकाश मार्ग से, समझ रहे हो आप? आकाश मार्ग, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो क्रूज, कोई सी मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, कोई भी, तो जो एयर से जो थ्रेट आते हैं ना वो यार बहुत ज्यादा स्पीड में आते हैं, समझ रहे हो? उनकी जो स्पीड होती है ना बच्चों बहुत ज्यादा तेज होती है, 1000-2000 तो नॉर्मल है, जैसे अपन गाड़ी चलती है ना 50-60 तो आप कहते हो आजकल यार नॉर्मल स्पीड है गाड़ी चलाने की हाईवे के ऊपर या सिटी के अंदर भी चलाते हैं लोग, ठीक है। तो बच्चों यार 1000-2000 तो उनके लिए नॉर्मल होती है, जो इन प्लेन्स के लिए, मिसाइल्स के लिए, यू नो एवरीथिंग। सो गाइस व्हाट द चैलेंज हियर इज, यहाँ प्रॉब्लम बच्चों ये आ जाता है कि यार हमारे पास बहुत ही नैरो विंडो होता है, एक बहुत ही छोटा समय, छोटा अंतराल होता है, बहुत ही नैरो विंडो होता है कि जिसमें हम उसको डिटेक्ट कर ले यार थ्रेट आ रहा है, कोई खतरा आ रहा है हमारी तरफ, और हम उसको न्यूट्रलाइज कर दें, हवा के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दें। तो गाइस देयर इज अ वेरी नैरो यू नो टाइम, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, बस इतना ही टाइम होता है। अगर आप लेट हो गए तो मिसाइल आपको उड़ा देगा आके, ठीक है, प्लेन आपको आ जाएगा यहाँ पे, बॉम्ब गिरा के चला भी जाएगा, ठीक है, 5-10 मिनट के अंदर। आपको पता है यार हवा 1000-2000-3000 किलोमीटर की उनकी रफ्तार होती है। तो गाइस द गेम चेंजर हेयर इज द स्पीड ऑफ द अनदर मिसाइल जो आप छोड़ोगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो अगर किसी एयरक्राफ्ट को मुझे उड़ाना है, किसी मिसाइल को मुझे उड़ाना है दुश्मन की, किसी ड्रोन को मुझे उड़ाना है, किसी यू नो दूसरे दुश्मन के किसी
बैलिस्टिक मिसाइल को मुझे अगर डिस्ट्रॉय करना है तो गाइस जो मेरा मिसाइल होना चाहिए उसकी जो स्पीड होती है ना यार, वो बहुत तेज होना चाहिए, रिएक्शन जो होना चाहिए ना क्विक होना चाहिए, क्विकली रिएक्ट करके फट यू नो लॉन्च होके और डिस्ट्रॉयड, हवा में ही डिस्ट्रॉयड, इससे पहले वो अपने को खत्म करे उसको खत्म कर दो। तो बच्चों इसी फिलोसफी पे, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए क्विक रिएक्शन सैम हमने बनाया है ये आकाश मिसाइल का। ठीक है, आकाश भी एक सैम है। ठीक है, मैंने कहा क्विक रिएक्शन है, फटाफट रिएक्ट करेगी। ठीक है, बहुत स्पीड से जाएगी, मतलब समझ रहे हो आप, ताकि हम काफी हद तक इनकमिंग थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दें। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट गाइस। क्विक रिएक्शन क्यों है, इसका नाम सैम है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। खतरा आपको पता है, एयर से जो आ रहा है बहुत ही तेज गति से आ रहा है आपके पास, तो तेज गति से ही अपने को एक्शन लेने की जरूरत है उसके खिलाफ। इसलिए बच्चों क्विक रिएक्शन सैम मिसाइल इसका नाम पड़ा है, QRSM। ओके, किसने बनाया है, DRDO ने बनाया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने बनाया है बच्चों, साथ में मिलके इंडियन आर्मी के काम आती है ये। 3 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक की रेंज है। ठीक है, जैसे बच्चों 30 किलोमीटर तक की तो आकाश की रेंज, अब आकाश से तो चूक गया, कोई दूसरा मिसाइल आ रहा है समझ लो अटैक करने, बहुत स्पीड से आ रहा है, आकाश मिसाइल हमने लॉन्च करी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर आकाश मिसाइल नहीं कर पाई, बच के निकल गया वो, आकाश कहीं अपनी दूर चले गए। ठीक है, तो फिर हम क्या लॉन्च करेंगे, QRSM हम लॉन्च करेंगे। जब 30 से अंदर आ जाएगा, 25 आ गया, 20 किलोमीटर आ गया हमारे पास में, 10 किलोमीटर आ गया, अब तो मतलब यह है कि वो मिसाइल डिस्ट्रॉय कर ही देगा टारगेट को। तो गाइस देन वी विल लॉन्च द QRSM और ये क्विक रिएक्शन की वजह से उसको न्यूट्रलाइज कर देगा अटैक करने से पहले ही। ऑल वेदर मिसाइल है बच्चों, बारिश हो रही हो, सर्दी हो रही हो, गर्मी हो रही हो, क्लाउड हो रहे हो, हर मौसम में आप इसका यूज ले सकते हो। ऑल वेदर है, ऑल टेरेन है, हर तरह के यू नो टेरेन पे काम कर सकती है, सरफेस टू सरफेस है बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स बच्चों उसमें लगे हुए हैं, जो दुश्मन का एयरक्राफ्ट है उसका जो रेडार होता है उसके अंदर, उसको भी जैम कर सकता है। ऐसी भी इसमें टेक्नोलॉजी है ताकि यू नो दुश्मन एयरक्राफ्ट को इसके बारे में पता ना लग पाए और ये सीधा उसे डिस्ट्रॉय कर दे। ओके गाइस, ट्रक्स में अपन इसको लोड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आकाश जैसे ट्रक के अंदर लोडेड है, इस तरह से ट्रक के अंदर लोड कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और बड़े टाइम के लिए इसको स्टोर करके यूज कर सकते हैं बाद में। ठीक है, सॉलिड फ्यूल बच्चों मोस्टली, मैंने आपको बताया 99% मिसाइल्स के अंदर सॉलिड फ्यूल, ठीक है, सॉलिड फ्यूल यूज होता है, जो कि एक एल्यूमिनियम पाउडर कहते हैं जिसको हम, ठीक है, एल्यूमिनियम पाउडर होता है सॉलिड फ्यूल। ओके, तो सॉलिड फ्यूल इज द एल्यूमिनियम पाउडर। ओके, सो गाइस आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। ठीक है, चलते हैं अपन आगे बच्चों, केस सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। न्यूक्लियर ट्रायड भी आपको बताऊंगा, न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है। ठीक है, ट्रायड मैंने आपको पहले जब सबमरीन में भी बताया था, मुझे पता है पर आप लोग याद नहीं रखते हो। ठीक है, हाँ एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं, सही कह रहे हैं आप ग्रेट टाइगर, हम बात चल रही है एक्सपोर्ट की, साउथ ईस्ट एशिया का कोई कंट्री में नाम भूल रहा हूँ, म्यांमार है या वियतनाम है, उसने बोला था कि हम ना खरीदना चाहते हैं के जवाबी हमले बाय दिस, बिल्कुल सही बोला लिप्सी ने, जवाबी हमला हम कर सकते हैं बच्चों इस मिसाइल से, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, ठीक है बच्चों चलते हैं। गाइस देयर इज वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल, गाइस इंपॉर्टेंट यार ये इसलिए हो जाता है। ठीक है, ये मिसाइल कोई जहाज से, हवाई जहाज से नहीं छोड़ा जाता, कोई शिप से भी नहीं छोड़ा जाता, ये मिसाइल जमीन से भी नहीं छोड़ा जाता, आकाश से भी नहीं छोड़ा जाता बच्चों, ये मिसाइल छोड़ा जाता है सबमरीन से। सबमरीन आप समझते हो ना, पनडुब्बी, सबमरीन से मिसाइल छोड़ा जाता है बच्चों। ये मिसाइल जब से हमने बनाया है तब से इंडिया न्यूक्लियर ट्रायड बच्चों, बहुत ही कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर हथियार को एयर से भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, लैंड से भी छोड़ सकते हैं और सबमरीन से भी छोड़ सकते हैं। जब बच्चों कोई देश यू नो इस तरह की टेक्नोलॉजी रखे कि यार एयर से भी वो न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ सकता है, लैंड से भी छोड़ सकता है, सबमरीन से भी छोड़ सकता है, तब बच्चों उस नेशन को उपाधि मिल जाती है, टाइटल मिल जाता है, एक अच्छा टाइटल मिल जाता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रायड मतलब न्यूक्लियर को तीनों जगहों से, वो न्यूक्लियर वेपन को तीनों जगहों से वो छोड़ सकता है, एयर, लैंड, सबमरीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो गाइस व्हेन वी मेड दिस मिसाइल, ओके, जब हमने ये मिसाइल बनाई डीआरडीओ ने, ठीक है, इसे कहते हैं हम सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल मैंने आपको बता ही दिया था क्या होता है, सबमरीन लॉन्च का मतलब सबमरीन से पनडुब्बी के द्वारा छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइल।
बच्चों हमारे पास अभी एक ही मिसाइल है ऐसी, ठीक है, इसको सागरिका मिसाइल्स भी कहते हैं गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है यार, मैं आपको जितना बोलूं उतना इंपॉर्टेंट है। अब जो हम जो नेक्स्ट जो दो तीन मिसाइल्स पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल्स है गाइस, बिकॉज वेरी 110% चांस कि सीधा क्वेश्चन प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है, ठीक है। तो भाई सबमरीन लॉन्च व्हीकल है ये, ठीक है, सबमरीन लॉन्च व्हीकल है, सागरिका मिसाइल जिसे हम कहते हैं, के सीरीज भी कहते हैं बच्चों उसको, ठीक है, के सीरीज भी कहते हैं हम इस मिसाइल को, क्योंकि इसमें क्या है, हमें कई सारी मिसाइलें बना रहा है डीआरडीओ, ठीक है, जैसे अग्नि की भी कई सीरीज है, 1 अग्नि 2 अग्नि 3 अग्नि 4, तो ऐसे ही के सीरीज है बच्चों। एक कहां से छोड़ी जाएगी, सबमरीन से, SLBM इनको कहेंगे हम। K-15 बच्चों अभी तक हम बना चुके हैं, और K-15 हम हमारी सबमरीन के अंदर लगा भी चुके हैं बच्चों, लगा भी चुके हैं। सबमरीन एक जमीन पानी के अंदर रहती है, ये देखो आप दिख रहा है आपको, ये सी सरफेस है, ठीक है, ये सी सरफेस है, और सी सी के नीचे कौन सी सबमरीन है अपनी, और ये सबमरीन से हमने ये मिसाइल को छोड़ा है। तो गाइस दिस इज द एग्जांपल ऑफ द यू नो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, 750 किलोमीटर की मारक क्षमता है बच्चों उसकी, किसकी, K-15 मिसाइल की, K-15 मिसाइल उर्फ सागरिका, सागरिका मिसाइल्स, ओके, और इसको SLBM की कैटेगरी में ये आता है। न्यूक्लियर वेपन बच्चों कैरी कर ही सकता है ऑब्वियसली, तभी सारी कहानी चल रही है। एक और गाइस जिसका एक एडवांस वर्जन DRDO भी बना रहा है, बनाया नहीं है, बना रहा है DRDO, जिसका नाम होगा K-5, ठीक है। तो बच्चों K-15 की रेंज क्या है, वो थी 750 किलोमीटर, और K-5 की द रेंज विल बी 3500 किलोमीटर्स। K-15 की रेंज है बच्चों आपके 750 किलोमीटर, ठीक है, और के आपके 5 की रेंज होगी 3500 किलोमीटर। न्यूक्लियर ट्रायड में बच्चों उसने हमें एक एलीट ग्रुप में रखा है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड, ओके, न्यूक्लियर ट्रायड। आई होप यू विल रिमेम्बर द वर्ड एंड ऑल्सो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। बहुत कम बच्चों चाइना रशिया यू नो USA वगैरह के पास ही ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो इंडिया भी अब इस टेक्नोलॉजी के अंदर आ चुका है गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा इस मिसाइल का, ब्रह्मोस मिसाइल। बच्चों ये जितनी मिसाइल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मिसाइल काफी है, इनके अलावा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, परेशान नहीं होना, इस मिसाइल के बाहर UPSC कभी नहीं जाने वाला, ठीक है, ये सारी मिसाइल्स हैं, ठीक है, इतना कर लो आप, मोर देन इनफ है, ठीक है, मैं आपको समझा भी रहा हूँ एक एक मिसाइल को ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। सो गाइस ब्रह्मोस मिसाइल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल बच्चों। ब्रह्मोस मिसाइल यार इंपॉर्टेंट इसलिए है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया ने भी नहीं बनाई है, और ये क्या है, रशिया ने भी नहीं बनाई है, ये बनाई है इंडिया और रशिया ने मिलकर। ब्रह्मोस बच्चों जो उसका नाम पड़ा है यार, वो इंडिया और रशिया की दो रिवर्स के नाम पे पड़ा है। ब्रह्मोस का मतलब बच्चों ब्रह्मपुत्रा, आपको पता है ब्रह्मपुत्रा रिवर है, आसाम के अंदर बहती है, और मोस का मतलब है बच्चों मोस्कावा, ठीक है, मोस्कावा रिवर। मोस्कावा रिवर बच्चों कहाँ बहती है, मोस्कावा रिवर बहती है आपके रशिया के अंदर, ठीक है, तो इन दो रिवर्स के नाम पे इसका नाम पड़ा है, द मोस्कावा रिवर ऑफ यू नो रशिया एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर ऑफ इंडिया, ओके। सो विच टू कंट्रीज हैव मेड दिस मिसाइल, इंडिया एंड रशिया ने मिलके ये मिसाइल बनाई है बच्चों, ठीक है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, सबसे बच्चों देखो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया यार, ऊपर से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, दुनिया की सबसे तेज, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली क्रूज मिसाइल है ये, ठीक है, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मूविंग हाई सॉरी ग्रेटेस्ट स्पीड, सबसे ज्यादा स्पीड है इसकी, ठीक है, Mach 2.8 से लेके Mach 3.0 तक की बात कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एक मिसाइल है उसका तो वो तो 7-7 Mach की स्पीड से चलती है, एक है जो 5 से चलती है, तो बच्चों बात यहाँ पे उनकी नहीं हो रही, बात हो रही है क्रूज मिसाइल की, ठीक है। क्रूज मिसाइल्स का एक तरीका अलग होता है जो मैंने आपको Part 1 के अंदर बताया था, क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों क्रूज मिसाइल की कैटेगरी के अंदर, ठीक है, क्रूज मिसाइल की कैटेगरी के अंदर नंबर 1 है ये वर्ल्ड में, नंबर 1 हाई, सबसे ज्यादा तेज गति से उड़ने वाली क्रूज मिसाइल है ये, सुपरसोनिक है, आवाज की रफ्तार से तेज उड़ती है गाइस। सबमरीन्स हों, शिप्स हों, एयरक्राफ्ट हों, यू नो जमीन हो, हर जगह से अपन इस मिसाइल को छोड़ सकते हैं, इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है, ठीक है, लगभग 290 किलोमीटर इसकी रेंज है। मगर गाइज आप घबराओ मत, हमने इसमें अभी BrahMos 2 भी हम बना रहे हैं, BrahMos 2 पे काम चल रहा है अभी, ठीक है, तो BrahMos 2 जो बच्चों मिसाइल होगी, ठीक है, उसकी रेंज क्या है बढ़ जाएगी,
ठीक है, उसकी रेंज क्या है बढ़ा देंगे हम लोग, और एडवांस होगी बच्चों, स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसकी स्पीड है Mach 3, ठीक है, Mach 3 इसकी स्पीड है। जो ब्रह्मोस सेकंड होगी उसकी स्पीड होगी लगभग Mach 7 से लेके Mach 8, ठीक है, Mach 7 से लेके Mach 8, ठीक है, ठीक है गाइस। सो दिस इज द थिंग अबाउट द ब्रह्मोस 2। MTCR वेलकमिंग क्या लिखा हुआ है, ये शब्द आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बच्चों MTCR क्या है यार, एक ग्रुपिंग था, ठीक है, ये इंडिया क्या है इसका पार्ट बना है बच्चों 2018 के अंदर। तो बच्चों ये जो ग्रुप था, ये ग्रुप ये करता था, MTCR याद रखना, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ठीक है, ये ग्रुप बच्चों ये करता था कि यार जो ये इस ग्रुप के मेंबर है ना, वही यू नो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, आदान प्रदान कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का, ठीक है। अगर मिसाइल की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 300 किलोमीटर से ज्यादा की है, ठीक है, 300 किलोमीटर से ज्यादा की है, तो ये MTCR वाले जो बड़े बड़े देश थे, UK, चाइना, फाइना, यू नो चाइना नहीं है इसके अंदर, ठीक है, आपका रशिया वगैरह, रशिया था इसके अंदर, और बच्चों क्या यार इंडिया नहीं था इसके अंदर, ठीक है, 2018 तक। पर अब हम आ चुके हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों यार क्या हुआ था, जब ब्रह्मोस 1 हमने बनाई है तो ब्रह्मोस 1 की रेंज जो थी, ठीक है, वो हमने कम रखी, मतलब देखो 290 रखी है, आप देखो 290 रखी, 300 भी नहीं रखी, क्योंकि अगर 300 हम रख देते तो रशिया फिर हमारी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि रशिया MTCR का पार्ट है, और MTCR के जो पार्ट है जो देश, वो कर नहीं सकते जब तक दूसरा देश भी MTCR का पार्ट ना हो, तो ठीक है। तो बच्चों हो गया, सोने पे सुहागा हो गया, 2018 के अंदर इंडिया भी MTCR का पार्ट बन गया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का पार्ट हम बन गए। यू नो ब्रह्मोस मिसाइल तो इंपॉर्टेंट है ही बच्चों, MTCR उससे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई 10-20 सालों से इंडिया इसका मेंबर बनना चाह रहा था, और हम अब इसके 2018 के अंदर इसके मेंबर बन गए, और बच्चों बन गए मेंबर, तो रशिया अब इसको यू नो 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल की टेक्नोलॉजी, ओके 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी इंडिया को दे सकता है, कोई कानूनी इंटरनेशनल लॉ का वो उल्लंघन नहीं करेगा, ठीक है, और इंडिया भी दे सकता है दूसरे देशों को अगर इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, मगर बच्चों उनको मेंबर होना जरूरी है MTCR का, ठीक है। तो गाइस MTCR के हम पार्टनर हो चुके हैं अब, तो अब हम ब्रह्मोस 2 बना सकते हैं मिलके रशिया के साथ, और इसकी रेंज जितना भी चाहे हम उतना रख सकते हैं, कोई हमारे पे दबाव नहीं है, ना ही भारत पे कोई दबाव है, ना ही रूस पे कोई दबाव है, ओके गाइस। सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट गाइस, मोर इंपॉर्टेंट इज द MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बच्चों एक एक क्लास में मैं आपको टॉपिक एक होता है, पर मैं 10 टॉपिक और उसके आसपास के बता देता हूँ आपको, ठीक है, बिकॉज ठीक है वही मैटर करते हैं यार, ठीक है वही मैटर करते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो MTCR बच्चों मुझे आई होप आप नहीं भूलोगे, और ब्रह्मोस मिसाइल तो मैंने आपको बता ही दिया, PDF आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। बच्चों अगर ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है, लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लो यार, हम क्लास के बाद यू नो क्विज स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट हो आपका भी मेरा भी, पहले ही करके रख लो अभी, ठीक है। आई विल सजेस्ट यू अन अकेडमी लर्निंग ऐप, प्ले स्टोर पे जाके अभी आप कर लो, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके अन अकेडमी लर्निंग ऐप। कोई बात हो बच्चों तो आप मुझे यू नो लिख सकते हो, देख सकते हो, आई एम ऑल्सो सीइंग द कमेंट सेक्शन गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके सर आई गॉट द आंसर, यस यस आई एम वेरी गुड दैट यू गॉट योर आंसर, यस ब्रह्मोस 2 भी इंडिया और यू नो मिलके बनाएंगे रशिया, कोई दिक्कत नहीं है, MTCR हमने साइन कर लिया अब तो हम बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे, और ब्रह्मोस 3 भी बनाएंगे खुदा ना खास्ता, मतलब बहुत कुछ बनाएंगे यू नो, कोई दिक्कत नहीं है। Okay guys, let's move forward. Let's come to the Brak missile. Guys, Brak missile is a very, very, very important missile. Guys, एक backbone है Indian Navy की missile. ठीक है? यार आपको बताएं बच्चों, Israel नाम का एक देश है. ठीक है? Israel नाम का देश है बच्चों, ये क्या है? आसपास से काफी दुश्मन मुल्क से घिरा हुआ है. ठीक है? इसको पता है यार, ये Israel छोटा सा देश है हालांकि ये. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है यार, वेस्ट बैंक है. ठीक है? सॉरी, ये वेस्ट बैंक है इसका. ठीक है? ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है. ये Israel है आपका. ठीक है? ये वेस्ट बैंक है. ये मुस्लिम डिनोमिनेटेड एरिया, ये है अपना गाजा स्ट्रिप. ठीक है? गाजा स्ट्रिप है ये. तो बच्चों वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को मिलके कहते हैं फिलिस्तीन. ठीक है? फिलिस्तीन कहते हैं हम इसको. ठीक है? तो बच्चों क्या है, इनलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है इसराइल ने ये एरिया, और इसराइल क्या बढ़ाता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है मुस्लिम पॉपुलेशन को इन वेस्ट बैंक के अंदर और गाजा स्ट्रिप के अंदर. ठीक है? तो बच्चों यार बहुत प्रॉब्लम होता था, क्या करते थे यहाँ जो ये मुस्लिम जो एरिया है, तो यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप भी बन गए थे.
तो बच्चों क्या करते थे वो यहाँ से, अब यार पास में तो है ही, समझ रहे हो, बहुत छोटा सा देश है और छोटे देश में भी छोटा सा टुकड़ा है, यहाँ से क्या वो रॉकेट लॉन्चर होते हैं ना आपके, रॉकेट लॉन्चर छोड़ते रहते थे, ठीक है, जो आपके आरपीजी वगैरह होता है, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, ठीक है, जो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, आतंकवादी वगैरह यूज करते हैं, आरपीजी जिसको कहते हैं ना, आरपीजी रॉकेट लॉन्चर छोटे आदमी के लेवल लायक, वो छोड़ते रहते थे कहां से, गाजा स्ट्रिप से इसराइल के अंदर, ठीक है, वेस्ट बैंक से इसराइल के अंदर, ठीक है, चाहे कहीं पे भी गिरे और आम आदमी मारे जाए। तो गाइस इसका जवाब दिया इसराइल ने, गाइस इसका जवाब दिया, आप इसके बारे में नेट पे भी सर्च करना जिन लोगों को इंटरेस्ट है डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसराइल ने एक ऐसा सिस्टम बनाया यार जिसका नाम है आयरन डोम, ठीक है, आयरन डोम, लोहे का गुंबद, समझ रहे हो बच्चों, आयरन डोम कहते हैं यार कि इतना एक्यूरेट है बच्चों कि एक छोटी सी गोल्फ बॉल, जो गोल्फ खेलते हैं ना, गोल्फ छोटी बॉल आती है, कहते हैं उतनी भी चीज, उस भी चीज को अगर आयरन डोम सिस्टम आपने यहाँ पे रख दिया, उसमें ट्रक वगैरह सब होते हैं, तो बच्चों जो एरिया है उसके आसपास का, इस एरिया के अंदर रॉकेट छोड़ो आप, एक छोटी सी गोल्फ बॉल वो भी बच के नहीं जा सकती, उसको भी वो मिसाइल जो आयरन डोम सिस्टम है डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब समझ रहे हो, सरफेस टू एयर ही है ये, सरफेस टू एयर है, इतना प्रिसाइस है बच्चों की एक छोटी सी गोल्फ बॉल को भी वो क्या है, यू नो, बचने नहीं देता है, ठीक है। तो गाइस इससे आपको पता चलता है यार कि इसराइल का कितना मास्टरी है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, सरफेस टू एयर मिसाइल के अंदर, ठीक है। तो बच्चों इसीलिए हमने इसराइल के साथ पार्टनरशिप करी, ठीक है, समझौता किया कि हम मिलके बनाएंगे, यू नो, ब्राक मिसाइल। तो बच्चों ब्राक जो मिसाइल है, ब्राक जो ये शब्द है, ये बच्चों एक हेब्रू शब्द है, हेब्रू बच्चों इसराइल की, यू नो, भाषा है, एंशियंट, जैसे अपने हिंदी है उनकी हेब्रू है, और बच्चों ब्राक का जो हेब्रू के अंदर मतलब है, जो मतलब होता है वो होता है लाइटनिंग, ठीक है, बिजली कड़कती है ना, बिजली कड़कने को कहते हैं ब्राक, किस लैंग्वेज में बच्चों, हेब्रू, हेब्रू लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है, इसराइल के अंदर। सो गाइस दैट इज द नेम एंड वी हैव डेवलप्ड द ब्राक 8 मिसाइल विद द इसराइल, गाइस इट्स अ लॉन्ग रेंज, ठीक है, लॉन्ग रेंज सैम है हमारे, आकाश वाकाश जो हमने बनाया है वो तो बच्चे खिलौने हैं इसके आगे, ठीक है, मीडियम रेंज है गाइस, स्मॉल लॉन्ग रेंज सैम है, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है बच्चों, इंडिया और इसराइल ने मिला के बनाया है इस मिसाइल को, कुछ भी आ रहा हो गाइस, कुछ भी आ रहा हो, हेलीकॉप्टर अपनी तरफ आ रहा है दुश्मन मुल्क का, दुश्मन देश का, एयरक्राफ्ट आ रहा है, एंटी शिप कोई मिसाइल आ रहा है शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यूएवी अनमैंड व्हीकल मतलब ड्रोन आ रहा है, कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, कोई क्रूज मिसाइल आ रही है, कोई कॉम्बैट जेट आ रहा है बच्चों, उसको ये हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। और वैसे बच्चों इसका लैंड बेस्ड वर्जन भी है, ठीक है, जमीन से भी छोड़ा जा सकता है, ये आपको दिख रहा है ना, ये लैंड बेस्ड वर्जन है, ठीक है, लैंड बेस्ड वर्जन है, LAND, ठीक है, और ये है इसका नेवी का बेस्ड का, ठीक है। तो बच्चों यार मान लो यार अभी कोई हमारा जहाज है, मान लो हमारा कोई यार बड़ा जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, विक्रमादित्य, तो बच्चों के उसकी तरफ पाकिस्तान कोई मिसाइल छोड़ दे, ठीक है, पाकिस्तान अब यार एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारा, इसके ऊपर हमारे 30-40 यू नो हमारे एयरक्राफ्ट फाइटर जेट खड़े हुए हैं, हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए हैं, 3-4 हज़ार लोग इस पे काम करते हैं वो हैं, और बच्चों मान लो इस पे कोई मिसाइल छोड़ दे पाकिस्तान चाइना के, यार इसको डुबो देंगे एक मिसाइल से, तो क्या करेंगे हम, तो क्या करना चाहिए हमें, तो गाइस वी विल लॉन्च द ब्राक 8 मिसाइल फ्रॉम दिस शिप, फ्रॉम दिस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य, और इस मिसाइल को हमारे पास आने से पहले ही हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, ओके। सो दिस इज द सरफेस टू एयर मिसाइल, एंड ब्राक जो 8 मिसाइल है वो नेवी ज्यादा अच्छे से बच्चों उसका यूज ले रही है, नेवी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, लैंड में तो कितना थ्रेट नहीं होता है, ठीक है। गाइस नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द टुडे, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले साल ही हमने ये टेक्नोलॉजी बच्चों, यार ये कोई मिसाइल नहीं है, कोई ये मिसाइल नहीं है, पर ये मिसाइल से रिलेटेड है, मगर ये एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि यू नो इट कैन चेंज द कोर्स ऑफ वॉर, किसी भी देश से अगर हमारी लड़ाई हो जाए, चाहे वो चाइना है या पाकिस्तान है, अगर इस टेक्नोलॉजी का हमने सही इस्तेमाल कर लिया तो हम काफी यू नो क्रिपल कर सकते हैं, ठीक है, जैम कर सकते हैं दूसरे आर्मी, दूसरे देश की आर्मी को, नेवी को या एयरफोर्स को, ठीक है। कैसे कर सकते हैं बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, वो ऐसे कर सकते हैं बच्चों, देखो किसी भी यू नो किसी भी कोई भी आर्मी है, नेवी है, उसका एक कोर चीज क्या होती है बच्चों, कोर चीज क्या होती है उसकी, जो बहुत जरूरी है, ठीक है, वो बहुत जरूरी चीज क्या होता है गाइस, वो होता है कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन क्या, अच्छा इतने आर्मी वहां पे ये हो गया, वहां पे ये हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स भेजने हैं, जीपीएस पे लोकेशन भेजनी है अपनी, ठीक है, डाटा भेजना है कुछ,
सकते हो ना, कोई कोई सिग्नल भेजना है, कुछ कुछ फंस गई है कहीं पे कोई टुकड़ी, उसको निकालना है, बचाना है। तो बच्चों कम्युनिकेशन यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके किसी भी आर्मी हो, नेवी हो या फिर मिलिट्री हो। और गाइस ये कम्युनिकेशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन ठीक है, तो यार एक कम्युनिकेशन होता है बच्चों देखो सैटेलाइट से होता है, ठीक है। सैटेलाइट देखो यहाँ पे कोई सेना है, बीच समुंदर में हमारा कोई जहाज खड़ा है, 5-10 जहाज खड़े हैं बच्चों, यार कैसे कम्युनिकेट करेंगे जो मतलब दिल्ली में जो लोग हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं, कैसे कम्युनिकेट करेंगे? सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए, अगर उन्हें कोई एयरक्राफ्ट मंगवाने हैं, एयरफोर्स की हेल्प चाहिए, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? वो सैटेलाइट के थ्रू करेंगे। तो गाइस सैटेलाइट को ही अगर हम किसी देश की उड़ा दें, ठीक है, सैटेलाइट को ही हम किसी देश की अगर खराब कर दें, उड़ा दें, डिस्ट्रॉय कर दें, तो कैसा रहेगा? तो बच्चों बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ही बढ़िया बात है। तो बच्चों ऐसा करने में हम सक्षम हैं। कब सक्षम हुए? 2019 के अंदर हुए। और कौन कौन सक्षम है बच्चों? सिर्फ 3 देश, ओनली 3 कंट्रीज। यू विल बी प्राउड टू नो दिस थिंग दैट अर्लियर दिस, तभी मोदी जी ने यू नो सबको घबरा गए थे लोग उस टाइम, लोगों को लगा कि मोदी जी पता नहीं अब यू नो नोटबंदी कर देंगे दोबारा, क्या कर देंगे, घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे, क्या कर देंगे। मोदी जी ने बच्चों क्या शाम को लॉन्च होना था और सुबह आके बोल दिया था टीवी पे कि मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ शाम को कि आपको यू नो यू विल बहुत अलग बात बताने वाला हूँ शाम को, तो आप तैयार रहना। तो बच्चों भारत माहौल क्या देश में ऐसा हो गया था उस थोड़े उस दिन के लिए कि यार पता नहीं मोदी जी क्या बात बता दे शाम को आके। तो ये बात उन्होंने बताई थी कि हमने मिशन शक्ति, हमने यू नो एक्सपेरिमेंट किया और हम उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग सफल हो गए। तो गाइस व्हाट वी डूड इन दिस एक्सपेरिमेंट, ओके, एंड ओनली रिमेंबर दैट गाइस ओनली यूनाइटेड स्टेट्स, जो आपका यूएसए है, ठीक है, रशिया है, ठीक है, और आपका चाइना है, सिर्फ ये 3 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। मगर 2019 के बाद हमें भी ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, ओके। सो गाइस इट इज अबाउट द एंटी सैटेलाइट, एंटी मतलब सैटेलाइट को भी उड़ा दे जो जाके हवा के अंदर, ठीक है। इसमें बच्चे हमने क्या किया, हमारा ही एक पुराना सैटेलाइट था जो काम कर नहीं करता था, खराब हो गया था, वो लियो ऑर्बिट जो होता है, लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है बच्चों, वहां पे क्या है चक्कर खा रहा था, ठीक है, चक्कर मार रहा था और लियो ऑर्बिट के अंदर इट वॉज सर्कलिंग। तो हमने अपना ही सैटेलाइट गाइस उड़ाया किससे, इस मिसाइल से, ठीक है। काइनेटिक किल व्हीकल, काइनेटिक किल मतलब बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना उसमें किसी भी जो चीज चल रही है तेज स्पीड से उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी से हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया अपने ही सैटेलाइट को, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो गाइस इससे हमने प्रदर्शन किया कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में सक्षम हैं, बना चुके हैं और वी आर देयर टू किल। अगर बच्चों हमारा कल चाइना से वॉर हो जाए, यार अभी इतना चल रहा है, देखो चाइना को हम वैसे तो हरा नहीं सकते, चाइना हमसे काफी पावरफुल है डायरेक्टली, अगर देखो यार फैक्ट्स पे बात करी जाए चाइना हमसे काफी पावरफुल है, ठीक है। तो इस तरह की बच्चों स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी हमारी काफी मदद कर सकती है उस टाइम पे, ठीक है। तो बच्चों यार क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि इसके अंदर हमने कौन सा मिसाइल यूज किया था, ए सैट में मतलब हमारे सैटेलाइट जो हमने उड़ाया है इसको उड़ाने में हमने कौन सा मिसाइल यूज किया था, तो बच्चों उसने हम जो मिसाइल हमने यूज किया था, वो हमने मिसाइल यूज किया था उसका नाम था पृथ्वी डिफेंस, ठीक है, व्हीकल, जो पृथ्वी मिसाइल है अपनी नॉर्मली, उसमें थोड़ा मॉडिफाई करके उसको, और हमने उसमें पृथ्वी मिसाइल व्हीकल हमने यूज किया था, ओके गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, अब कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे यू नो बता दे, बचा सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क भी जैम कर सकते हैं यार, सब कुछ कर सकते हैं, मोबाइल नेटवर्क और यू नो कम्युनिकेशन तो बेसिकली सैटेलाइट से ही होता है, ठीक है गाइस। सो दिस इज द स्पेस योर एंटी सैटेलाइट मिशन गाइस। इसमें एक और इशू हो गया था यार, इंडिया की ना सब बुराई करने लगे थे कंट्री में यार कि ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके क्या है स्पेस डेब्रिस बच्चों क्या होता है यार, बच्चों क्या है कोई सैटेलाइट जब होता है ना अपना, ठीक है, आपको पता है ऑर्बिट में घूमते रहते हैं सैटेलाइट, ठीक है, बहुत और भी सैटेलाइट्स होते हैं, दूसरे सैटेलाइट्स भी होते हैं, दूसरे देशों के होते हैं, वो सही है, वो काम कर रहे हैं आपके ना, आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी हमारा लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही चक्कर लगा रहे हैं। तो बच्चों जब हम क्या है किसी ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम इस सैटेलाइट को क्या छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं इसके, ठीक है। तो यार वो क्या कचरा भी क्या है, वो कचरा बन जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है वो भी फिर अर्थ के क्या है चक्कर लगाते रहते हैं चारों तरफ, समझ रहे हो आप, चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और उससे कहते हैं हम स्पेस डेब्रिस। बच्चों स्पेस डेब्रिस का प्रॉब्लम ये हो सकता है यार कि कल कोई जाके ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है दूसरी किसी सैटेलाइट से टकरा जाए तो ये उसको खराब कर सकते हैं, समझ रहे हो आप, हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो घूम रहा है उसमें टकरा जाए तो उसको यार वहां पे लोग रहते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मगर बच्चों इंडिया ने जानबूझ के लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही सैटेलाइट को यू नो डिस्ट्रॉय किया था ताकि जो स्पेस डेब्रिस उससे जो बन रहा है
ठीक है, जो स्पेस डेब्रिस उससे बनेगा वो हवा में ही जल जाएगा, एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाएगा, नीचे गिरने लग जाएगा और बर्न होके जल जाएगा, ठीक है। तो एक स्पेस डेब्रिस का पॉइंट ही बच्चों उसमें उभर के आया था, तो आई एम श्योर आप यू नो SND के अंदर इसको पढ़ लोगे, ठीक है गाइस। इस तरह मिशनरी यार मैंने आपको दिखाया नहीं पिक्चर, तो बच्चों सारा पिक्चर है देखो, ये मिसाइल था हमारा, पृथ्वी टाइप का मिसाइल था, पृथ्वी क्लास का मिसाइल था, ठीक है। हमने इसको छोड़ा हवा के अंदर, ठीक है, और ये हमारा सैटेलाइट था पुराना, देखो आपको पिक्चर भी दिख रहा है बच्चों कैसे ये सैटेलाइट है, ठीक है, ये सैटेलाइट है और ये मिसाइल है, ठीक है, और कैसे इस मिसाइल ने यू नो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया सैटेलाइट को, ठीक है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय हो गया बच्चों, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, आई होप आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। तो बच्चों ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद में, इसे हम कहते हैं स्पेस डेब्रिस, ओके। तो स्पेस डेब्रिस इज गाइस वेरी मच यू नो लीथल फॉर योर अदर सैटेलाइट्स विच आर वर्किंग, ओके, वेदर ऑफ एनी कंट्री और द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो गाइस इसका ये ऑप्टिकल व्यू भी है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट व्यू भी है, जैसे ये सैटेलाइट था सीकिंग, ठीक है, तो इसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था। गाइस चलते हैं पर नेक्स्ट उसकी तरफ, ठीक है। गाइस S-400 सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, S-400 सिस्टम मैंने बताया सैम है आपको, मैं उस पर बच्चों ऑलरेडी 15 मिनट का पूरा वीडियो बना चुका हूँ, तो जब आप PDF डाउनलोड करोगे तो आप इस क्लिक, ये लिंक है वो क्लिकेबल है, क्लिक कर सकते हो आप इस लिंक पे, ठीक है, क्लिक कर लेना और S-400 का बच्चों देख लेना यार, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाला है हमारे पास, शायद अगले साल तक हमारे पास आ जाएगा ये S-400 सिस्टम, ठीक है। S-400 रशिया से हम ले रहे हैं, तो पूरा अच्छे से मैं डिटेल में कवर करता उसको, तो अभी काफी टाइम हो जाता बच्चों, तो है ना अवेलेबल है अपने पास, ओके। सो यू कैन सी द वीडियो, द वीडियो ओल्ड वीडियो व्हिच आई हैव ऑलरेडी बीन क्रिएटेड फॉर द S-400 मिसाइल सिस्टम, ठीक है बच्चों। लास्ट मिसाइल है आज का, देन वी विल डू द क्विज। बच्चों क्विज आप फटाफट ऐप एक बार डाउनलोड कर लीजिए ताकि फालतू में टाइम वेस्ट ना हो, आपको डिबेट ना करना पड़े। अनअकैडमी लर्निंग ऐप गाइस प्लीज डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। बच्चों एनवायरमेंट का हम क्विज लेने वाले हैं, ठीक है, एनवायरमेंट का ले रहे हैं हम क्विज, कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एस्त्र मिसाइल के बारे में बता देता हूँ बच्चों, ठीक है। एस्त्र मिसाइल बच्चों क्वेश्चन आ चुका है इस पर, अब आपको बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ऑलरेडी, क्योंकि इस पे पूछा जा चुका है UPSC के अंदर, UPSC ने इसमें अभी ही क्वेश्चन पूछा था 2-3 साल पहले, ओके गाइस। तो आई होप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस्त्र मिसाइल बच्चों क्या है, एस्त्र मिसाइल यार एक एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब हवा में से ही छोड़ा जाएगा और हवा में ही अपने टारगेट को ये डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। तो गाइस कौन छोड़ेगा यार अस्त्र मिसाइल को बच्चों, प्लेन्स छोड़ेंगे, जो हमारा तेजस है, ठीक है, तेजस हमारा जो है, हमारा जो सुकोई है, हमारा जो यू नो राफेल में नहीं लगेगा मिसाइल ये वाला, ठीक है, हमारा तेजस है, हमारा सुकोई है, ठीक है। तो गाइस ये लोग ये मिसाइल छोड़ेंगे, इंडिया में ही बना है गाइस, एस्त्र मिसाइल जो है इंडिया में ही बना है, DRDO ने बनाया है, एयर टू एयर, जैसे आप देख सकते हो गाइस ये सुकोई है, ये हमारा सुकोई हवाई जहाज है और ये मिसाइल हमने जो इसने छोड़ा है ये है आपका एस्त्र मिसाइल। गाइस जिस साल ये क्वेश्चन आया था उसके पिछले साल ही यू नो ये मिसाइल हमने लॉन्च किया था, ठीक है, और UPSC ने पूछ लिया था। अब ये सारी जो मैंने आपको चीजें बताई है, S-400 हो गया, एस्त्र हो गया, ठीक है, ब्राक हो गया, ब्रह्मोस तो खैर काफी टाइम हो गया, बट ब्रह्मोस 2 है जो बन रहा है अभी बच्चों, ये भी अभी लेटेस्ट चीज है, ठीक है, तो ये आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो पढ़ लो अच्छे से यार, ठीक है, रिवाइज कर लेना, PDF संभाल के रखना और उसमें एड ऑन करते रहना आपने, ठीक है। तो गाइस ये बेसिकली मारता है यार, अगर हवाई जहाज को किसी दूसरे डॉग फाइट हो रही हो, किसी दूसरे टारगेट को उड़ाना हो, अगर इस प्लेन से किसी यू नो दूसरे टारगेट को उड़ाना हो, हेलीकॉप्टर को उड़ाना हो या दूसरा कोई प्लेन हो उसको मारना हो, ठीक है, तो हम एस्त्र मिसाइल का यूज करते हैं, एयर टू एयर मिसाइल है ये गाइस, ठीक है। गाइस आई वांट यू नाउ टू प्लीज यू नो गाइस अपना, अब आप अपन करते हैं क्विज, ठीक है गाइस, क्विज है आपका आज SNT का, और SNT का नहीं ले रहे हैं हम क्योंकि क्वेश्चन उसमें अपडेट हो रहे हैं, तो कभी और हम ले लेंगे उसको, ठीक है गाइस। तो अपन ले रहे हैं क्विज है वो अपन ले रहे हैं आज एनवायरमेंट पे, ओके। सो गाइस फर्स्ट क्विज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिए प्लीज, ठीक है, आई होप आपने कर ली होगी, काफी लोगों ने, मैंने बताया था आपको, ठीक है, कर लेना आप। ओके गाइस सो फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड द ऐप, ओके गाइस ऐप पे चले जाइए आप लोग, कोड आ चुका है, कोड हैज बीन जनरेटेड, कोड आपको अगले 2 मिनट के अंदर मैं दे दूंगा, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा मैं आपको एंड में बताऊंगा अभी उसके बारे में, ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ हम लोग, थैंक यू एवरीबॉडी, ठीक है।
तो आप बच्चों आ जाओ, प्ले स्टोर पे आ जाओ, ऐप डाउनलोड कर लो, कर लिया होगा मोस्टली लोगों ने आई एम श्योर, क्योंकि कल काफी फैकल्टी काफी लिए थे यू नो क्विजेस। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अपन गाइस क्विज के ऊपर फिर। लेट मी स्टार्ट द क्विज गाइस, द कोड आ चुका है आपके सामने बच्चों, कोड फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए क्विज को भाई गाइस, कोड डाल काल के। ठीक है, कोड आपको बच्चों कैसे डालना है, आपको पहले ऐप डाउनलोड करना है, ओके, पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, फिर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, कहां से करना है, प्ले स्टोर से करना है, ओके, प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है बच्चों। उसके बाद आपको उसके साइड में जो ऑप्शन दिख रहा होगा वहां पे गाइज आपको जाना है, प्लस पे सेलेक्ट करना है, ओके, प्लस कोर्स को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, देखो कोड गाइस, कोड यू नो ज्वाइन करो, कोड आप ज्वाइन करोगे आपको रैंक पता चलेगा, आपका एक प्रैक्टिस होगा, टाइम लिमिट में होगा, यू नो मैं फिर जो भी टॉप रहेंगे बच्चों मैं उनका नाम शेयर करूंगा अपने अगले क्लास के अंदर। ठीक है, आई विल शेयर देयर नेम्स एंड द यू नो स्कोर कार्ड। ठीक है गाइस, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए यार, प्लस पे जाना है बच्चों, पहले ऐप डाउनलोड करना है आपको, ऐप डाउनलोड करके आपको बच्चों कैटेगरी सेलेक्ट करना है, दैट इज द यूपीएससी सीएससी ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद आपको मेरा दिख जाएगा प्रोफाइल। ठीक है गाइस, मुझे फॉलो भी कर लेना ताकि आप स्पेशल क्लासेस से मेरे जुड़ जाओ। यस यस गाइस, मोर एटलीस्ट ज्यादा लोग चाहिए बच्चों, ज्यादा लोग चाहिए। ठीक है, और अच्छा क्विज होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से करा दिया जाएगा। ठीक है, तो गाइस आपको यू नो इसमें बताऊंगा भी मैं क्या गलती थी, कैसे आप कर सकते थे, ओवरव्यू भी दूंगा। ठीक है गाइस, तो आपको फिर ऐप डाउनलोड करना है बच्चों, ऐप डाउनलोड करने के बाद प्लस की कैटेगरी पे जाना है, प्लस की कैटेगरी पे जाना है आपको ज्वाइन क्विज, नीचे आपको टेस्ट दिखेगा, देखो टेस्ट दिख रहा होगा एक यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको टेस्ट दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टेस्ट दिख रहा होगा बच्चों, तो टेस्ट पे आपको जाना है। ठीक है, टेस्ट पे जाने के बाद आपको गाइस फिर यू नो यू हैव टू सी द ज्वाइन क्विज। ठीक है, ज्वाइन क्विज की कैटेगरी में वाइज आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको दिखेगा आपका कोड डालना पड़ेगा, और वहां पे बच्चों आपको जो कोड है वो डालना है 439048। ओके, तो दीज आर द स्टेप्स गाइस, ओके, दीज आर द स्टेप्स, दीज आर ऑल ऑफ द स्टेप्स, 439048 कोड है बच्चों, फटाफट आओ यार, फटाफट अगले दो मिनट में अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्विज को, ओके, विद इन टू मिनट्स वी विल स्टार्ट द क्विज, ओके, सो यू नो डाउनलोड द ऐप। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन में जाओ, प्लस सब्सक्रिप्शन जाने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन उस पे जा रहा है आपको यू नो टेस्ट के अंदर, टेस्ट के अंदर आपको ज्वाइन क्विज करना है, ज्वाइन क्विज में आपको कोड डालना है। ठीक है, तो गाइस कोड है अपना आपको पता ही है, आपकी स्क्रीन के सामने है, मैं यहाँ पे भी कोड डाल देता हूँ ताकि कुछ बच्चे लेट जाएंगे वो भी कोड में देख के you know they can also join the quiz in between also guys फटाफट यार एक बार दो मिनट में जल्दी से सब लोग आ जाए कोड you know सब लोग आ जाए फटाफट ठीक है ताकि कोई दिक्कत ना रहे 439048 okay guys 439048 is the code I am also sending the code in the comment box once okay I am also sending 439048 ठीक है मैंने भी भेज दिया बच्चों एक बार उसमें You know, I am also sending the code. I hope आप लोग सब जुड़ गए हो अब तक। एक बार मैं भी भेज देता हूँ बच्चों कोड ताकि क्या है बच्चों को बाकी बच्चों को भी पता लग जाए किसी ने भेज भी दिया है काफी लोग भेज भी रहे हैं शायद। So guys, the code is बस guys, one minute में we are starting the thing. Okay, we are starting 439048. Okay, I have also sent the code. You can see my name and I have sent the code, guys. तो दिक्कत की कोई बात नहीं है अपने लिए। अब चल चल बच्चों चालू करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, जो आते हैं वो आते रहेंगे, जो नहीं आए वो नहीं आए, जो आ गए वो ठीक है वो फायदा उठाएंगे, जो नहीं आए वो ठीक है दे आर एट अ बैकफुट ऑलरेडी। सो गाइस आई वांट सम गुड नेम्स इन द टॉप कैटेगरी, ओके गाइस आई वांट सम गुड नेम्स इन द टॉप कैटेगरी। मैं चाहता हूँ कि यू नो कुछ आप में से कई लोग, एक सेकेंड बच्चों उसको साइड में कर देते हैं थोड़ा, ताकि मैं भी स्क्रीन पे आ सकूं। ठीक है गाइस, डिवाइस वन स्टार्ट कर रहे हैं, 1 to 10 के काउंट पे बच्चों स्टार्ट कर देंगे कोड। एनवायरनमेंट का कोड है और आई एम श्योर बच्चों एनवायरनमेंट के काफी क्वेश्चन आते हैं, तो आई एम श्योर आपको यार पता होगा एनवायरनमेंट में। ठीक है, एनवायरनमेंट में क्वेश्चन कितना, सॉरी सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो गाइस 10 की काउंटिंग पे हम स्टार्ट कर लेते हैं, मैं पानी भी पी लेता हूँ जब तक। ठीक है, तो गाइस code is in front of your screens guys, don't sit behind and you know just see, don't see it on the screen, there's no point seeing it on the screen, solve it,
सॉल्व करोगे कॉन्फिडेंस मिलेगा, दिमाग थोड़ा एप्टीट्यूड बनेगा उस सबसे कि यार एमसीक्यू कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोड क्विज 10 के काउंट पे। ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 स्टार्ट। टाइम है बच्चों 60 सेकेंड है, जल्दी नहीं है, वहां पे भी आपको लगभग इतना टाइम मिलता है, 1 मिनट 20 सेकेंड आपको मिलते हैं वहां पे भी, तो उस हिसाब से आपको करना है को। ठीक है बच्चों जल्दबाजी में मत नहीं करना है, गलत मत करना, सही करना है क्वेश्चन। ठीक है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, प्रोडक्शन यूट्रोफिक मतलब यू नो न्यूट्रिएंट ज्यादा, ऑलिगोट्रॉपिक क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, बेसिक क्वेश्चन है, इकोसिस्टम पे क्वेश्चन है। ठीक है यूट्रोफिक ऑलिगोट्रॉपिक आई होप आपको पता होगा। बच्चों क्वेश्चन टाइम मैंने रखा है अपने एग्जाम के हिसाब से, वहां 1 मिनट 20 सेकंड है, यहाँ पे आपके पास है 1 मिनट। ठीक है तो टाइम बिल्कुल ऑप्टिमम है, ठीक है आपके लिए भी इजी है समझने के लिए भी। बच्चों 10 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, सारे क्वेश्चन करने हैं बच्चों, 10 क्वेश्चन है, मेहनत से सेलेक्ट करें, मैंने काफी यू नो एक एक क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है, काफी बंडल ऑफ क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं आपको करना है। ठीक है फर्स्ट है काजल, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके नंदलाल सेकंड है, जयमित है थर्ड पे, वेरी वेरी गुड। एंड गाइज आई विल शेयर द जो टॉप करेगा उसका फोटो मैं शेयर करूंगा बच्चों क्लास में, हर अगली क्लास में उसका फोटो शेयर किया जाएगा। और शाम को बच्चों वापस मिल रहे हैं रात को, ठीक है 10 बजे वापस क्विज है अपना फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है फिजिकल ज्योग्राफी पे क्विज है, बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ठीक है फिजिकल ज्योग्राफी में क्विज है, नाइट्रोजन पोल्यूशन पे क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है मगर करो, कोशिश करो यार, कोशिश करो। ठीक है थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं कहूंगा उसको, मगर यूपीएससी में अब डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आ रहे हैं। ठीक है बाकी लोग प्लीज इसको यू नो स्क्रीन पे ना देखें गाइज, यू जस्ट डू द क्विज। ओके थोड़ा बच्चों इसमें क्या है, बाहर क्या है ज्यादा देर देखता नहीं है, अभी काम चल रहा है, यूपीएससी अकेडमी इसको कर देगी। तो फर्स्ट है काजल, सेकंड है फर्स्ट है जयमित, सेकंड है प्रेमलता, ठीक है थर्ड है राजकुमार, वेरी गुड। गाइस मैंने पढ़ाया भी आपको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मैंने आपको पढ़ाया भी है यू नो, मैंने आपको पढ़ाया था स्कीम्स वाली क्लास के अंदर, आपको याद हो तो भारत 6 नॉर्म्स भी मैंने आपको पढ़ाया था, ES6। तो क्वेश्चन जिस तरह के आ रहे हैं एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए गए हैं, स्पेशली हैंडपिक्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है हिंदी के अंदर भी आने चाहिए क्वेश्चन बट आ नहीं रहे हैं इसमें, आगे हिंदी वालों के लिए भी आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है टेंशन ना लें आप, हिंदी में भी आएंगे क्वेश्चन, दोनों में आएंगे। तो फर्स्ट है जयमित, सेकंड है प्रेमलता, वेरी गुड सबाग, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों नए नाम चाहिए मुझे टॉप 3 के अंदर। ठीक है बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, यस वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन द ओजोन डिप्लीशन, बहुत ही उमदा क्वेश्चन है बच्चों, एकदम अप्लाइड क्वेश्चन है, यूपीएससी में लाने लायक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, रटने का कुछ नहीं है इसमें, जिसने समझा हुआ है चीजों को अच्छे से वो आराम से कर देगा इसको, आराम से।
वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। आई होप जिन्होंने ये किया है क्वेश्चन उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है, अगर जिनका सही हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, उनकी समझा हुआ है उन्होंने चीजों को अच्छे से। जैमित इज अगेन, अच्छा शाबा आ गई है फर्स्ट पे, सेकंड है मोनी, सोनू कुमार वॉज इन थर्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन। जैमित, प्रेमलता, आप लोग भी ऊपर आने की कोशिश करें, टॉप थ्री मेंटेन करने की कोशिश करें गाइज, टॉप थ्री में आने का यार मजा है, बाकी तो बच्चों फिर क्या ही है सब, ठीक है, टॉप थ्री में बच्चों आने का कोशिश कर रहे हैं आप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन यू आर मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। बच्चों ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। साउथ एशिया का बॉस, साउथ एशिया में मिलता है पूरे ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू बी बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही इजी था ये तो मेरे हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट है कौन जरा चेक कर लेते हैं एक बार। यस सोनू कुमार, वेरी गुड, साबा वेरी गुड, मोनी कश्यप, जेपी, आनंदी, परवीन, जैमित, गाइस प्लीज कम ऑन गाइस, फटाफट फटाफट यार टॉप में आओ। इन द पोलर रीजन स्मॉल साइज एनिमल्स, वेरी गुड क्वेश्चन गाइस। देखो इतने अच्छे क्वेश्चन यू अनअकैडमी आपके लिए बनाया है, अनअकैडमी ने, मैंने चूज किया है इन्होंने उनको ऑब्वियसली, बट गाइस देखो क्रेडिट है इसमें अनअकैडमी का है, मेरा नहीं है क्रेडिट, मैंने नहीं बनाया, मैंने चूज जरूर किए हैं, ठीक है। छोटे पोलर रीजन स्मॉल साइज एनिमल्स आर रेयर, क्यों होते हैं रेयर यार, ठंड ज्यादा होती है इसलिए होते हैं, अब ठंड ज्यादा होती है फिर छोटे क्यों है वो आपको आपको पता लगाना है, ठीक है। गाइस अपन सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, 10-5 मिनट अपन उस पर भी बात करेंगे, ऐसा नहीं कि आपको यू नो सॉल्यूशंस नहीं कराए जाएंगे, सॉल्यूशंस में भी आपको थोड़ा बताया जाएगा, 5-6 मिनट बात कर लेंगे उस पर भी। वेरी गुड सोनू कुमार, मोनी कश्यप, ओके वेरी गुड वेरी गुड। जमेत कुमार, परवीन इज ऑल्सो हेयर, परवीन कम अप, परवीन इज माई रेगुलर स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगस्त्य मलाई बायोस, बच्चों प्रिलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है इस पे ऑलरेडी, एक्चुअली ये प्रिलिम्स का ही क्वेश्चन है, यस ये प्रिलिम्स का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अगस्त्य मलाई बायोस, बिल्कुल बिल्कुल, 2017 ये आया था आपके क्वेश्चन बच्चों, 2018 के अंदर, 2018 का क्वेश्चन है, वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस में था, बट मैं ये कहूंगा इसको यार बच्चों अगर आप इसको कर पाए तो फिर क्या कहने है, मतलब है ना, फिर तो मैपिंग में मतलब मास्टर हो आप एकदम। गाइज फटाफट जो लोग YouTube पे हैं YouTube पे ना रहें, आगे बढ़िए गाइज, लाइफ में आगे बढ़ना ही मैटर करता है। कोड है आपके और क्विज के बीच की दूरी जो है कोड है बच्चों, फ्री है, प्लस का फीचर है, मगर आपको यू नो यू पे अनअकैडमी ने ओपन कर दिया है कुछ दिनों के लिए, तो वाई आर यू नॉट यू नो टेकिंग द एडवांटेज। फर्स्ट है सोनू कुमार, सेकेंड है मोनी, थर्ड है नंदलाल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फोर्थ है जैमित, फिफ्थ है परवीन। अर्थ आवर गाइज, वेरी वेरी फेमस इन न्यूज, अर्थ आवर आपको पता है बनाया जाता है उपलक्ष्य में, यू नो बत्तियां बुझा दी जाती हैं इसके अंदर, ओके आपके लिए हिंट भी दे दिया है, आप फटाफट बताइए। गाइस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आई वांट सम न्यू नेम्स टू कम अप, ठीक है सेकंड, बस दो क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है जल्दी बच्चों लोग आए, नए लोग आए फटाफट आए यार, और यू नो शोभा बढ़ाए क्विज की फटाफट गाइस।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आई गेस। फर्स्ट है सोनू, वेरी गुड सोनू कुमार, वेरी गुड। सेकंड है नंदलाल, फोर्थ है दीनू। ठीक है, लास्ट में बच्चों धमाका है आपके लिए, धमाकेदार क्वेश्चन रखे हैं थोड़े आखिर में। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम द टर्म एक्सट्रैपोलेशन इज रिलेटेड टू, बताएं किससे रिलेटेड है बच्चों। गाइस लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ओके। एक्सट्रैपोलेशन, एक्सट्रैपोलेशन का मतलब होता है बच्चों स्पीशी एक्सटेंड हो जाना लोकल एरिया से किसी। ठीक है, सो फर्स्ट है कौन है यहाँ पे, फर्स्ट है आपके सोनू कुमार, थर्ड है नंदलाल, थर्ड है दीनू। बिल्कुल दीनू, बहुत यू नो आई रिमेम्बर दीनू। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन यार अच्छे से कीजिए बच्चों। Which of the following correctly describes the term deep ecology? बच्चों बहुत important question है, deep ecology की बात चल रही है आजकल कोरोना के time पे, कैसे deep ecology can help the you know कोरोना से आगे आगे भी हम ऐसी बीमारियों से बच के रहें। तो deep ecology का मतलब क्या होता है बच्चों, गांधी जी का भी इससे relation है, you know काफी सारे hints दे दिए मैंने आपको। ठीक है गाइज, आई विल शेयर द विनर लिस्ट हेयर ऑल्सो एंड इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। ठीक है, जो विनर्स होंगे इसके, उसकी लिस्ट आपसे पूरी शेयर करी जाएगी, बताया जाएगा, उनको डेकोरेट किया जाएगा। दे आर डूइंग गुड, सो दे शुड बी रिवॉर्डेड। ठीक है, सो देयर नेम्स विल बी टेकन इन द नेक्स्ट स्लाइड, जो भी क्लास होगी। ठीक है, तो गाइज विनर रहे हैं, मैं इसका फोटो ले लेता हूँ आपके। ठीक है, फर्स्ट थी परवीन है, वेरी गुड परवीन। सेकेंड है दीनू, थर्ड है सोनू कुमार, फोर्थ है नंदलाल। ओके, लीडर बोर्ड इज हेयर, सॉरी दिस इज द एक्चुअल लीडर बोर्ड। ठीक है, 34 हो गए गाइस, काफी अच्छे है। 10 बजे वापस मिल रहे हैं बच्चों पर क्विज करने के लिए। सॉल्यूशंस की तरफ एक बार फटाफट नजर लगा लेते हैं, नजर दौड़ा लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, विच ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ, बता बच्चों बताया आपको यूट्रोफिकेशन, यार मतलब है ना लेक के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो जाते हैं, खाने का सामान ज्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे क्या लोग क्या होगा, मतलब और ज्यादा लोग आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, न्यूट्रिएंट्स लेक के अंदर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, यूट्रोफिकेशन के अंदर, तो बेसिकली उसके ऊपर एक क्वेश्चन था बच्चों ये। ठीक है, नाइट्रोजन पोल्यूशन की, भाई आपको पता है अमोनिया कहते हैं, तो इसके काफी नो प्रॉब्लम होते हैं नाइट्रोजन पोल्यूशन की तरह से। ठीक है, तो नाइट्रोजन पोल्यूशन पे था भाई सीप गाइस, यू नो स्टेट एनर्जी एफिशिएंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है यार स्टेट्स, मैंने आपको पूरा बताया था कि एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कितना काम कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, वो तारा सीप इंडेक्स आपको बताएगा। ठीक है बच्चों, यार ओजोन देखो, ओजोन में होल हुआ है, एंटार्क्टिका में बड़ा होल हुआ है और आर्टिक में नहीं है। ठीक है, आर्टिक में बताते हैं छोटा सा हुआ है पर एंटार्क्टिका में बहुत बड़ा हुआ है। बस बच्चों का रीजन बहुत सारे हैं यार, अभी डिस्कस करना यहाँ पे सही नहीं है, बट मैं बता दूं क्योंकि देखो एक आर्टिक एंटार्क्टिका में बहुत बड़ा लैंड मास है, ठंडा ज्यादा रहता है एंटार्क्टिका, आर्टिक से ठंडा ज्यादा रहता है। ठीक है, और चारों तरफ से क्या है समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, आर्टिक में क्या है लैंड भी है। ठीक है, और पोलर स्ट्रेटोफेरिक क्लाउड्स, पोलर यू नो पोलर स्ट्रेटोफेरिक क्लाउड्स बच्चों ये होते हैं, ये क्या है क्लोरीन ब्रोमीन को क्या है ओजोन में ले जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ओजोन में होल हो चुका है। तो एंटार्क्टिक का ये है, बाकी आप डिटेल में पढ़ लेना, कहीं पढ़ बता देंगे आपको। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल बताया बच्चों आपको, वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। ठीक है, हिमालयाज में मिलता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोलर रीजन में स्मॉल साइज बच्चों यार एनिमल इसलिए नहीं मिलते क्योंकि एनर्जी हीट कैसे कंजर्व करेंगे। ठीक है, बड़े आदमी क्या है, बड़े जानवर क्या है, हीट कंजर्व कर पाते हैं अंदर। ठीक है, छोटा सा यार वो तो जमी जाएगा बर्फ के अंदर, समझ रहे हो। तो इसलिए बेसिकली आपके अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर है बच्चों, आप देख लेना, यूपीएससी में आ चुका है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अर्थ आवर बच्चों क्या है, बत्तियां बुझा दी जाती है बेसिकली एनर्जी को बचाने के लिए और यू नो अर्थ को प्रमोट करने के लिए कि भाई एनर्जी सेव करो यार, ये नहीं मतलब आप एनर्जी को यूज करे जा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए। ठीक है, 9th क्वेश्चन था बच्चा अपना, बच्चों अपना था
वो था एक्सटर्पोलेशन में मतलब क्या होता है बच्चों, लोकल एरिया से क्या है, किसी लोकल एरिया से स्पीशी क्या है गायब हो जाती है, ठीक है। जैसे इस पर्टिकुलर जंगल से वो स्पीशी गायब हो जाएगी, ठीक है, किसी और जगह मिलेगी मगर उस पर्टिकुलर एरिया से क्या है एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। डीप इकोलॉजी बच्चों एक फिलोसफिकल टाइप वर्ड है, डीप इकोलॉजी वर्ड यही कहता है यार कि है ना ह्यूमंस को ज्यादा इंटीग्रेट होकर रहना चाहिए नेचर से, ऐसा नहीं कि नेचर से हम क्या ले ले रहे हैं, ठीक है, हमें देना भी है नेचर को, ओके। Guys, this is about the deep ecology. So, guys, thank you for being a part of the, you know, the quiz. And this was the code. Guys, this is my, you know, plus code. अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो directly, you know, on the subscription लेना चाहते हो, plus में अगर आप हो तो आपको हमेशा के लिए quizzes, हजारों quizzes हैं बच्चों plus पे जो आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, but वो plus पे हैं, तो guys, you can take the subscription. आप मेरे से जुड़ सकते हो, code आपको use करना है, मेरा use करना है, 10% discount आपको मिलेगा और साथ के साथ मैं आपकी mentoring and guidance भी करूंगा, okay guys? चलते हैं अपन यार, लेट हुए हैं काफी, अनअकैडमी यूपीएससी हमारा चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। गुड बाय गाइस, टेक केयर, 10 बजे बच्चों मिल रहे हैं, आ जाना वापस 10 PM, दोबारा क्विज है फिजिकल ज्योग्राफी का, ओके, सो प्लीज बी देयर ऑन टाइम, प्रेस गुड बाय।